السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الذي خلق فصوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى فجعله غثاء احوى الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. الحمد لله الذي كتب الاثار ونسخ الاجال والقلوب عنده مفضيه والسر عنده علانيه الحلال ما احل الحرام ما حرم والدين ما شرع والامر ما قضى الخلق خلقه. وَلَعَبْدُ عَبْدُهُ وَهُوَ اللَّهُ الرَّعُوفُ الرَّحِيمُ وَأَشْهَدُ أَنْ عبده وهو الله الرؤوف الرحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد میرے بھائیو अल्लाह ताला ने इंसान को जिसम और रूह इन दो चीज़ों के मरकब से पैदा फरमाया है जिसम के बनने का निज़ाम और है और रूह के बनने का निज़ाम और है जिसम किसी और जगह बनता है और रूह कहीं और से आती है जिसम ज़मीन और ज़मीन की गज़ाओं के मुख्तलिफ़ मराहल पेश दर पेश से वलक गुम अतवारा वो मुख्तलिफ़ शक्लें बदलता 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 एक रूप में ढलता है और रूह एक लतीफ़ अल्लाह का अमर है जिसका इल्म इंसान को नहीं दिया गया यस अलू नूह कुल रूह मिन अम्र रबी वमा ऊती तो मिन ला कलीला के रूह एक अल्लाह का अमर है जिसके बारे में तुम्हारे पास कोई इल्म नहीं है लिहाजा उसकी तफसील तुम समझ नहीं सकते हो रूह आसमान से आती है जिसम ज़मीन में बनता है फिर चार महीने बाद अल्लाह उसको आपस में जोड़ देता है ज़िंदगी मुतहरक हो जाती है रूह ही के साथ ज़िंदगी की बका रहती है जब अल्लाह उससे वापस निकाल लेता है तो सारे टाइटल हटकर सिर्फ़ एक नाम सबको मिल जाता है और वो मैत का होता है वो हज़रत मौलाना हो वो कोई डॉक्टर हो बादशाह हो सदर वजीर हो सारे एजाज़ टाइटल हटाकर उस पर मैत का लफ्ज़ मोहर लग जाती है उसमें से क्या निकला है? हर चीज़ तो मौजूद है अब बोलता क्यों नहीं उठता क्यों नहीं चलता क्यों नहीं उसमें से रूह निकल गई है रूह हमारे जिस्म की असल है उसे निकाल दो तो जानवरों को भी पता है कि अब यह बेजान चीज़ है चींटियाँ, कीड़े मकोड़े भी उसको खाने लग जाएंगे जानवर भी खाने लग जाएंगे ज़मीन भी उसको गलाने लग जाएगी हवाएं उसको उसको मुतैर करने लगेंगी रूह इंसान के अंदर एक चलता हुआ जिंदगी का कारवां है उसे जब अल्लाह वापस बुलाता है तो अल्लाह तवफल अन फ़ै नमोतहा वल्लती लम तमतफी मना में हा मौत क्या चीज़ है इसके दो सौ जवाब हैं साइंस की किताबों में तो दो सौ जवाब वज़ात खुद बता रहे हैं कि ये एक जवाब भी ठीक नहीं है और क़ुरान एक जवाब देते है और वही हरफ आख़िर है कुलयतव मलकुल मौत अल्लाह यनफीन मऊ तिहा जो तुम्हारी रूहों को मौत के वक्त खींच लेता है तुम्हारे जिसम से निकाल लेता है तो मेरे भाइयों मौत के वक्त इंसान दो कैफ़ियत में होता है कुछ लोगों की रूह ऐसे निकल रही होती है कि उनके रग रग में वो फंस रही होती है फंस रही होती है वल उतरा इजयत वफ़ल लदीन कफ़रमको नजूह हूँ व अदबार हूँ काश तुम देख सकते वो मंज़र जब अल्लाह के फ़रिश्ते नाफरमानों की रूह को निकाल रहे होते हैं तो उनके मुंह पे भी मारते हैं उनकी कमर पर भी मारते हैं और अखरजुअसक्यूब निकालो आज अपनी रूहों और जानों अब तुम बच नहीं सकते हो वो पीछे हटना चाहते हैं रब मुझे वापस कर दे थोड़ी देर के लिए लि अम अब मैं पूरा पूरा ठीक ठीक मुसलमान बन के चलूँगा तो उसके जवाब में होता है और हदीस से पाक में आता है कि मलकुल मौत उतरता है उसके साथ चार फरिश्ते होते हैं वो चारों फरिश्ते आते हैं उसकी पटाई शुरू कर देते हैं अभी परसों ये हदीस मैंने पढ़ी इब्नु माजा में कि मलकुल मौत कहता है अय तोहन नफ़सा कानतफिलखबीस ए खबीस रूह जो खबीस जिसम में थी औ जी बा आओ वो वापस तो हो नहीं सकता अपने आप को रोक तो सकता नहीं तो वो हैरान परेशान खौफ ज़दा तो उसके जवाब में उसको मल कोलम कहता अब श्रे अब श्रे बेहमी मन वसाक व आखराम शक्ल ही अजवाज तैयार हो जा खौफनाक अजाब के लिए और खोलते पानियों के लिए कांटेदार झाड़ियों के लिए बेशुमार अजाब की शक्लों के लिए तो उसकी रूह को जब खींचते हैं तो रग रग से वो कट कट के निकलती है तो सारा वजूद ज़ेर ज़बर होता है सकरात का दर्द सारी दुनिया के दर्दों पर हावी है जब उसकी रूह निकलती है और उसको लेकर आसमान पर चलते हैं तो दरवाज़े पर पहुंचते हैं तो अंदर से फरिश्ते पूछते हैं कौन है कहते हैं फलां, फलां का बेटा है का नफसन ख़बीसा फ़िलजसदिलखबीस ये तो वही बदमाश है जो बदमाश जिसम में था ये वो बदवक़्त रूह है जो बदबخت जिसम में थी इसके लिए आसमान के दरवाज़े नहीं खोल सकते इसे वापस कर दिया जाए तो आसमान के दरवाला तो फतम अब्वाब वलायत ख़लून जन्नत हत यल जमलुफ़ी सम्मिल कि इनके लिए आसमान के दरवाज़े नहीं खुलेंगे और इनके लिए जन्नत के दरवाज़े नहीं खुलेंगे ये वहां से नीचे गिराए जाते हैं जो अल्लाह का कैद खाना है वमा अदरा किताब किताबर वो तुम्हें खबर नहीं कि वो क्या खौफनाक कैद खाना है जो अल्लाह ताला ने बनाया है उसे वहां धकेल दिया जाता है फिर क्या मन था उसके लिए इंतजार की घड़ियां हैं और अजाब की शिद्दत है और जब كون نيك آدمي الله تعالى کے دربار میں جاني وقاوس کا, کا وقت آتا فرماته إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ توعدون नहनौलियाःकुम फिलत दुनिया वफ़िल आखिर वलकुम फ़ी हा मा तशती अनफ़ुम वलकुम फ़ी हा मा तदरून नज़ुलमिन गफ़ूर रहीम जब कोई नेक मर्द औरत के जाने का वक्त आता है तो उसके लिए भी फ़रिश्ते आते हैं और आकर उसको खुशखबरी देते हैं और आकर उसको तसली देते हैं कि आप ना करें पीछे भी पीछे वाले भी आपको मिल जाएँगे आप खौफ न करें आगे सारी मंजिलें आपके लिए आसान हैं आपके लिए जन्नत भी तैयार है रब भी मेहरबान है और हदीस पाक में आता है कि मलकुलमौत और चार फरिश्ते आते हैं वो चार फरिश्ते उसको सहलाते हैं दबाते हैं कि मौत का दर्द इसे महसूस ना हो और मलकुलमौत फरमाते हैं तो हन नफ्सलहमीदा कानत फिलजस्दीद उखरुजी ए रूह जो नेक जिस्म में थी बाहर आओ क्या करो वह अब श्री व रोहन वरा हान व रब रान की गैर गज़बान आपको बशारत हो आपके लिए जन्नत तैयार हो चुकी है और वहाँ के सारी नेमतें आपके लिए मुयसर हो चुकी हैं और अल्लाह आप पे राज़ी हो चुका है और अल्लाह आप पे खुश हो चुका है इस पर उसकी रूह को निकाला जाता है फिर सारे फरिश्ते उसको इस्तबाल के साथ जब आसमान पर ले जाते हैं तो अंदर से पूछते हैं कौन है का फ़लाँ फ़लाँ का बेटा फ़लाँ फ़लाँ की बेटी कहते हैं नफसदाफ़ी जसदिन हमीद ये तो नेक रूह थी जो नेक जिसम में थी मरहबम बही इसको हम सब इस्तबाल के इसका करते हैं और एकदम आसमान के दरवाज़े खुलते हैं फिर वो पहला दूसरा तीसरा चौथा सारे आसमान पार करता हुआ अल्लाह पाक के अर्श के नीचे के जाकर मर्द है या औरत वहाँ जाकर सजदे में सर रखता है और अल्लाह ताला फरमाते हैं हाँ इसने हमें खुश किया हम इसे खुश करेंगे और उसको आफियत के साथ वहाँ आसमान में पहले आसमान से लेकर अल्लाह के अर्श तक ये सब वेटिंग रूम बने हुए जहाँ अल्लाह अपने अपने दर्जा के मुताबिक जन्नत वालों को ठहराता है और वह इंतज़ारगा है और वक्त ख़त्म हो जाता है लिहाजा इंतज़ार की जो तकलीफ़ है वो भी ख़त्म हो जाती है वक्त ख़त्म तो इंतज़ार का एहसास ख़त्म और टाइम के गुज़रने का एहसास ख़त्म तो जैसे अहबाब कहाफ को अल्लाह ने गार में दाखिल करके तो गार के अंदर से वक्त को निकाल के बाहर फेंक दिया बाहर 300 साल गुजरे अंदर आधा ही दिन गुज़रा था वो जब उठे तो वो 25 बरस का नौजवान सवा तीन साल का हो नहीं उठा वो 25 साल की उम्र में उठाए न ना न न नौखन है ना मुँशें बढ़ी हैं ना उनकी दाढ़ियाँ लंबी हुई हैं चूँकि तो जिंदा थे मर नहीं गए थे तो ज़िंदा के तो बाल भी बढ़ते हैं नौखन भी बढ़ते हैं लेकिन वो इस तरह उठे कि तीन सौ बरस गुज़र गए और 25 बरस का नौजवान 25 साल की उम्र में उठाए 20 बरस का 20 बरस की उम्र में उठाए और वो कहने लगे कम लबिस ना भाई कितना ठहरे हैं का यौमन ओबाला यौमन लगता है को दिन आधा दिन ठहरे हैं वो सही कह रहे थे बाहर अल्लाह ताला ने वक्त की घड़ी को चलाए रखा और अंदर गार में उसको स्विच ऑफ कर दिया निकाल दिया यहाँ वक्त को दाखिल नहीं होने दिया तो वक्त के गुज़रने से जो भी असरात मुरतब होते हैं उन पर मुरतब नहीं हुए तो वो बीस आधे ही दिन के बाद उठे हैं बाहर 300 साल अंदर आधा दिन यही कुछ अल्लाह तबारक वाली बरज़ में कर देता है वक्त को ख़त्म कर देता है गुजरने का एहसास नहीं होता है तो इस तरह मेरे अजीज हो ये दो मौतें इंसान हर इंसान देखता है या वो जन्नत के फरिश्तों का इस्तबाल देखता है या जहन्नम के फरिश्तों की मार और पटाई को सहता है बसरी रहमतुल्लाह रमत का इंतकाल होने लगा तो उन्होंने रात को फोत हुई तो उन्होंने अपनी ख़ादमा को बोला के फ़रमाया कि किसी को बताना नहीं जब मैं मर जाऊँ तो पड़ोस में दो चार को बुला ना मेरा जनाजा पढ़वा देना और जिस कुर्ते में मैं तहज्जुद पढ़ती थी वही मेरा कफन बना देना और सुबह बेशक लोगों को बता देना मेरे मरने के बाद मेरी मैयत को रखना नहीं फौरन दबा देना जब उनका इंतकाल हुआ तो उन्होंने पड़ोस के दो चार दस बीस आदमी बुलाए और उनको तदफीन तजहीज सब कुछ हो गई सुबह शोर मचा के ओह राब बसरी का इंतकाल हो गया तो अगले दिन वो ख्वा में इस खादमा को मिली और कहा बेटी तेरी बड़ी मेहरबानी तूने मेरी वसीयत के मुताबिक अमल किया उसने देखा कि उन्होंने एक खूबसूरत सब्ज़ लिबास पहना हुआ है तो वो फरमाने लगी इन्होंने सवाल किया कि आपके साथ कबर में क्या हुआ तो वो कहने लगे कि मेरे पास मुनकर नकीर आए थे और मुझसे कहने लगे मन की तेरा रब कौन है तो मैंने कहा सुबहान अल्लाह चालीस बरस जिसको मैं न भुला सकी उसको चार हाथ ज़मीन में आके मैं भूल जाऊँगी इनका बयालीस बरस की उम्र में इंतकाल हुआ था तो वो कहने लगे अल्लाह जिसको मैं चालीस बरस ना भुला सकी मैं उसे चार हाथ ज़मीन के अंदर आके भूल जाऊँगी तो मुनकर नकीर कहने लगे इसका क्या हिसाब लेना फिर उन्होंने पूछा कि वो आपका वो कुर्ता कहाँ गया तहजद वाला जिसमें आपको कफन दिया था का वो अल्लाह ने मुझसे ले लिया है और मेरे आमाल के ख़ज़ाने में रख दिया है क्यामत के दिन मेरा वो कुर्ता भी मेरे ताराज़ु में तोला जाएगा और मुझे ये लिबास पहनाया है जो जन्नत का लिबास है ये, ये भी एक मौत है इस तरह भी लोग मरते हैं और दूसरी भी एक मौत है हमारे हमारे इलाक़े की बता रहा हूँ अपने इलाके की एक जिम्मेदार मर गया उसकी कबर खोदी सारी बिच्छुओं से भरी हुई ऐसे जैसे च्यूटियां फिर रही होती तो उन्हें वो बंद करके दूसरी खोदी सारी बिच्छुओं से भरी हुई फिर वो बंद के बंद करके तीसरी खोदी सारी बिच्छुओं से भरी हुई कब्रिस्तान में इतने बिच्छू कहाँ से आ गए ये जमीन के बिच्छू नहीं है ये आखरत की बलाएं हैं जिसके साथ अब उसे क्या मत तक रहना है और गुजारा करना है तो ये दो तरह की मौतें रोज़ाना लोग मरते हैं रोज़ाना लोग मरते हैं जब नमाज का वक्त होता है मलकुल मौत सारी दुनिया का चक्कर लगाता है और देखता है कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा जो नमाज की पाबंदी करता है उसकी मौत आसानी से होती जो नमाज में गफलत करता है उसके साथ मौत के वक्त शिद्दत और सख्ती इख्तियार की जाती तो भाई ये एक जिस्म है एक रूह है रूह बाकी रहने वाली चीज़ है जिसम मिट जाता है फिर अल्लाह से क्यामत के दिन नया जिसम अता फरमाएगा एक नया जिसम दिया जाएगा रूह वही है जो अल्लाह के खजानों में जमा हो जाती है ना फरमान की सह काली रूह होती है फरमा बरदार की रोशन चमकदार रूह होती है तो अल्लाह ने कुछ तकाज़े जिसम के रखे हैं और कुछ रूह के रखे हैं जिसम के तकाज़े पूरे ना करो तो ये परेशान हो जाता है रूह के तकाजे पूरे ना करो तो ये परेशान हो जाती रूह की परेशानी जिसम से ज़्यादा है चूँकि रूह की ताकत जिसम से ज़्यादा है रूह मट मत, जिसम मट्टी से बना है इसकी ग़ा भी मट्टी से निकलती है रूह आसमान से है इसकी ग़जा भी आसमान से है रूह का ताल्लुक जब तक अल्लाह से नहीं जुड़ता इस भूख और प्यास लगती रहती है जिसम को जब तक रोटी और पानी ना मिले ये तड़पता और परेशान रहता है जैसे अल्लाह ताला ने हमारे जिसम में रोटी और पानी की तलब को बेसाख्ता रख दिया है मैं बयान के दौरान भी पानी पी रहा हूँ आप देख रहे हैं कि मुझे मेरा हलक सूख जाता है मुझे तलब महसूस होती है, पानी हलक सूखता है पानी की तरफ भागते हैं भूख लगती हम रोटी की तरफ भागते हैं ये एक ऐसा अंदर में ऑटोमेटिक सिस्टम है कि हम इसको ऑफ नहीं कर सकते ये सोते सोते भी भूख की वजह से आंख खुल जाती सोते सोते प्यास की वजह से आंख खुल जाती है ये ऐसा खुद अल्लाह ताला ने साख्ता निज़ाम बनाया है कि आप अपने जिसम में रोटी और पानी की तलब को नहीं निकाल सकते मेरे अजीज़ों ठीक इसी तरह अल्लाह ने इंसानी रूह में अपनी तलब रख दी है और अपने रसूल की तलब रख दी है ये दो तलब ऐसी हैं कि ये आपके जिसम रूह से निकल नहीं सकती जैसे भूखा रोटी ना खा ले प्यासा पानी ना पी ले उसे चैन नहीं आ सकता वो रूह जो अल्लाह और उसके रसूल से ना ना है जब तक वो वहाँ तक पहुँच नहीं जाती उसे चैन नहीं आ सकता उसका अंदर परेशान रहेगा उन्नीस सौ सतानवे में जब जुनैद जमशेद से मेरी पहली मुलाकात हुई तो उसने मुझसे ये सवाल किया कि मौली साहब एक पाकिस्तानी नौजवान जिस ग्लैमर को ख़बों में देखता है वो ग्लैमर तो मुझे ज़िंदगी में वैसे ही हासिल है मेरे चारों तरफ जिंदगी का रक्स है और मैं मेरी ज़िंदगी की हर ख्वाहिश हर तमन्ना पूरी है इसके बावजूद मेरे अंदर अंधेरा है मेरे अंदर ख़ला है, है मुझे लगता है मैं वो कशती हूँ जिसका कोई साहिल नहीं जिसका जिसकी कोई सिमत नहीं जिसका कोई घाट नहीं ये क्यों है मेरे साथ तो ऐसा नहीं होना चाहिए एक आम लड़का तो कहता है हाय काश ये होता उसको वो नहीं हो रहा तो फिर वो परेशान है हाय ये होता हाय वो होता तो मैं तो हाय नहीं करता हूँ मेरी तो हर हर लज्जत और ख्वाहिश मेरे सामने तश्तरी में सजा के पेश की जा रही मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं मैं हाय हाय क्यों कर रहा हूं मेरा अंदर वीरान क्यों है मेरे अंदर में खला क्यों है? ये वो ही खला है कि रूह वो रूह की प्यास को शराब में बुझाना चाहता है वो रूह की प्यास को लड़की में बुझाना चाहता है वो रूह की प्यास को मौसीकी से बुझाना चाहता है वो रूह की प्यास को दुनिया की रानाइयों में फाइव स्टार होटलों से बुझाना चाहता है रूह क्या जाने रोटी क्या है शराब क्या है पानी क्या है औरत क्या है मौसीकी क्या है घुंघरू क्या है पायल क्या है छंकार क्या है रूह को इन चीजों की क्या खबर अमरीका में हमारी एक जमात थी तो चार लड़के दो लड़कियां चार, चार लड़कियां दो लड़के मुसलमान हुए तो एक लड़के का नाम रखा था इब्राहिम और उसको जब पढ़ाया ना कलमा दोनों तो का हाय उनके हाय वो दोनों हाथ यहां रखे सीने पर दिल पर कहा तो साथिया डॉक्टर अख्तर वो कह लेंगे क्या हुआ क्या हुआ, हुआ? कह लेंगा जब से हो संभाला ये जगह खाली थी ये तेरे कलमा पढ़ाने पर भर गई है कि मेरी खुशी से हाय निकल गई ये जगह खाली रहेगी यहां शराब नहीं पहुंच सकती यहाँ नगमा और मौसीकी नहीं पहुँच सकते यहाँ ताले लगे हुए हैं यहाँ तक कोई आवाज़ नहीं जा सकती दिल के तारों पर एक ही नगमा छड़ सकता है और वो अल्लाह की याद का है और अल्लाह की मोहब्बत का है और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत का है बाकी कोई कोई मिजराब ऐसा नहीं जो इन तारों को छेड़ सके बाकी कोई चीज़ आवाज़ ऐसी नहीं जो दिल की दुनिया पर जाकर दस्तक दे सके यहां बंद दरवाजे हैं यहां सिर्फ अल्लाह पहुंचेगा अल्लाह के रसूल का ताल्लुक पहुंचेगा बाकी कोई चीज यहां नहीं जा सकती तो चूंकि आज हमारा इल्म गलत हो गया है पंखा बंद करो हमारा इल्म गलत हो गया है तो हमने इन दुनिया की चीजों को सब कुछ समझ कर इसकी दौड़ लगाना शुरू कर दी है तो रूह आसमान से है इसका ताल्लुक अल्लाह से बनाओ भाइयों अल्लाह का ताल्लुक पाए बगैर ना कोई मर्द मुकम्मल है ना कोई औरत मुकम्मल है और चूंकि बराह रास्त अल्लाह को कोई पा नहीं सकता चूंकि वो हमारे सामने नहीं उसके और हमारे दरमियान लाखों करोड़ों पर्दे हायल हैं तो अल्लाह अपने बंदों में से एक को मंतख करके अपना रसूल बनाता है उस पर अपना आप खोल देता है फिर उसे कह लोगों को बता कि ये ज़िंदगी अल्लाह को पसंद है वो अल्लाह का जो रसूल है वो बंदों और रब के दरमियान वासता बन जाता है अल्लाह ने हमें हज़रत मोहम्मद अलैहि वसल्लम जैसा रसूल दे दिया अल्लाह ताला ने अपना आप किसी को नहीं दिखाया मूसम पे एक तल्ली पड़ी उनको चालीस दिन होश नहीं आया चालीस दिन अल्लाह से ज़िद्द करने लगे अरब अरे नहीं अंदर इलेगी अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ अल्लाह तै मूँ सही हो नहीं सकता मूसलम अल्लाह के नबी ने फरमाए लाडले नबी थे अल्लाह पाक से ज़िद्द कर लिया करते थे फिर कहने लगे नहीं अल्लाह मैंने एक दफ़ा तो ज़रूर देखना है तो अल्लाह ताली ने कहा अच्छा तुम ऐसा करो मैं तूर पे तजल्ली डालूँगा फिनस्तर्र मकाना हूँ फसो फी तो मैं तजल्लु डालता हूँ तूर पर अगर तूर खड़ा रहा तो तू भी देख लेगा तो अब अल्लाह खुद सामने नहीं आया सिर्फ एक तजल्ली अल्लाह के अरसों के ऊपर से आना शुरू हुई है बीच में आप फासला गिने और फिर वह आकर फलम्मा तजल्ला रब हो लबल फिर वो जबल पर पहाड़ पर आई है जालहू दक्का वो पहाड़ रेजा रेजा होकर हवाओं में बिखर गया व खर्रा मूह और और मूहम बेहोश होकर गिरे। गिर और जब होश आया फलम अफाका होश आते कहने लगे सुबहानक या अल्लाह तू पाक बेब मैं तेरे बारगाह में तोबा करता हूँ मैं वाकई नहीं देख सकता हूँ हाँ कलाम का शरफ़ मिला है ज्यारत नहीं हुई अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद अलैहि वसल्लम को मदीना मक्का से उठाया और मकदस तक पहुँचाया सवारी पर कि दुनिया इस्बाब की है यहाँ सबब इख्तियार सवारी के पर बिठा कर वहाँ पहुँचाया और उसके बाद जब ऊपर बुलाया है तो फिर बुर्राक की ज़रूरत नहीं पड़ी ऊपर कुदरत का जहान है ऊपर अपनी कुदरत से बुलाया है ये बीच में देखो ना कितना बड़ा अब अगर हवा से ऊपर चले जाओ ये 500 मील हवा का गिलाफ़ है इससे अगर ऊपर चले जाएंगे ना तो आप खुद बम बन के फट जाएंगे एक धमाके के साथ क्योंकि हर इंसान के ऊपर हवा का एक प्रेशर है कोई दो मन के करीब हर इंसान के ऊपर हवा का प्रेशर है उस प्रेशर को तोड़ने के लिए मेरे अंदर खुद एक प्रेशर बना हुआ है जो उसको तोड़ रहा है तोड़ रहा है जब यह हवा का प्रेशर मेरे ऊपर से रिलीज़ हो जाता है तो मेरा अंदर का अपना प्रेशर बम की तरह फटेगा और मुझे पुर्जे पुर्जे कर देगा इसलिए वो खलाई लिबास बनाया जाता है जिसमें वो मसनू प्रेशर दिया जाता है ताकि ऊपर जाकर ये फट ना जाए हमारे नबी जिस कुर्ते और तहमद में थे उसी कुर्ते और तहमद से बैतुलमकद से चले हैं और हवा को नहीं पार किया सातों आसमान ही पार कर ली और पहले आसमान पर हज़रत आदम <laughs> ने इस्तबाल किया इस है और दूसरे आसमान पर हज़रत यूसम जक्री आलम याहीसलाम ने इस्तबाल किया है तीसरे आसमान पर हज़रत यूसफ्लम ने इस्तबाल किया है चौथे पर हज़रत इदरीसम ने इस्कबाल किया है पाँचवें पर हारून आल्लम ने इस्तबाल किया और छठे पर मूसम ने इसिकबाल किया और सातवें आसमान पर एक बैतुल्ला देखा है जिसका तवाफ़ हो रहा है इस्तबाल कोई मौजूद नहीं एक बड़े मियाँ ऐसे टेक लगा के बैतुल्ला की यूं टेक लगा के बैठे हैं गोठ मार के दोनों हाथों के ऐसे गोठ मार के बैठे हैं उनकी सफ़ेद दाढ़ी है वो नहीं उठे हैं बाकी तो नबी भी सामने खड़े होते थे इस्तेबाल को लेकिन ये बुजुर्ग नहीं उठे तो आपने पूछा ये कौन बुजुर्ग हैं तो जबरील ने कहा आपके दादा इब्राहिम अरे है आप खुद चल के आगे गए हैं वो करीब आए तो आप वो उठे और आपको गले लगाया माथा चुमा प्यार किया सारे नबीयों ने इस्तबाल के दौरान कहा था हमारे भाई आ गए मरहबा हमारे भाई आ गए लेकिन जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई तो उन्होंने फरमाया मरहबा मेरा बेटा आ गया मरहबा मेरा बेटा आ गया है और ये जो हालांकि मरतबा तो इब्राहिम आलाम का छोटा है हमारे नबी का मर्तबा बुलंद है लेकिन रिश्ते में इब्राहीम आलाम का मर्तबा बुलंद है और हमारे नबी का मर्तबा छोटा है इब्राहिम आई इस्लाम ऊपर जाकर दादा बन रहे हैं और ये नीचे पोता पड़ पोता बन रहे हैं तो रिश्ते की नस्बत में आप छोटे हैं वो बड़े हैं मर्तबे और मकाम में तो अल्लाह के बाद आपका और आपके आपके सामने कोई है नहीं बस ऊपर अल्लाह और नीचे अल्लाह का रसूल है बाकी सभी नीचे हैं लेकिन ये उम्मत को सबक देना था अल्लाह ताला को मालूम था कि आने वाली ये जो नस्ल है ये माँ बाप के ना फरमान होंगे चूंकि इन्हें सर पैसा कमाना आपका भी कसूर नहीं आपको टेक्सटाइल सिखाई जा रही कोई माँ बाप की तजीम तो नहीं सिखाई जा रही है और खुद आपके माँ बाप ने आपको नहीं बताया कि माँ किसे कहते हैं बाप किसे कहते हैं जिस चीज़ ने बताना था वो आपने पढ़ा नहीं वो तो दीन ने बताना था कुरान ने बताना था सीरत नबी ने बताया वो सीरत आपने पढ़ी नहीं कुरान आपने पढ़ा नहीं आपका सारा जोर लगा पहले एफ एफएससी को पास करने में फिर टेक्सटाइल में आ गया तो अब धागा कैसे बनता है आपका सारा इल्म है कि धागा कैसे बनता है ये इल्म आप नहीं पढ़ रहे कि इंसान कैसे बनता है ये मशीन कैसे चलती आप ये सीख रहे हैं ये इंसान कैसे चले ये किसी इदारे में नहीं सिखाया जा रहा वो इदारों का ये मौजू ही नहीं कि इंसान बनाओ इधारों का मौजू है बस रोबोट बनाओ जिन्हें बस धागा बनाना तो किसी को दवाई बनानी आती हो किसी को हल बनाना आता हो किसी को बम बनाना आता हो किसी को कपड़ा बनाना आता हो किसी को लोहा बनाना आता हो किसी को सोना ढालना आता हो किसी को ज़मीन का सीना चीरना आता हो तो ये जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं ये मकासद में तब्दील होकर हम मार इंसानियत से इंतहाई पस्तियों में चले गए हैं और वत नहीं कहाँ जा के गुम हो गए तो अल्लाह ताली ने इब्राही असलम की तरफ हज़ूर को चलवाया ताकि ये पैगाम मिले के माँ बाप का एक मकाम है एक मरतबा है जिसको खो देना सबसे बड़ी हलाकत है और जिसकी नाकदरी सबसे बड़ी तबाही है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया यार रसोल्ला क्या मत कब आएगी तो आपने इरशाद फरमाया ये अल्लाह को पता है तो उसने पूछा यार रसोल्ला कोई निशानी बताएं तो आपने फरमाया जब माओ को औलाद जलील करने लग जाए तो क्या मत आ जाएगी ये क्या कह दिया है हालांकि आपने साफ कहा है जब दुनिया में एक आदमी भी अल्लाह का नाम लेने वाला बाकी नहीं बचेगा तो क्या मत आ जाएंगे जब बेटियां भी माओ को जलील करने लग जाएं बेटे तो करते रहते हैं का जब बेटियां भी जब बच्चियां भी अपनी माओ को जलील करने लग जाएं नौकर की तरह सलूक करने लग जाएं तो फिर क्यामत आने आ गई कब फिर आ गई एक लड़की अपनी मां को कह रही थी बकवास ना कर मैं सुन रहा था मेरे सामने की बात अब अपनी मां को कह रही थी बकवास ना करो तो उसके आंसू ऐसे ढल कर उसके गालों पर नीचे जा रहे थे नीचे जा रहे थे नीचे जा रहे थे ये आंसू वो हैं जो सारी कायनात को आग लगा देंगे जेर जमीन आसमान का निजाम जेरो जबर हो जाएगा तो मेरा अजीज हमारी बदकिस्मती है, है कि इस मुल्क के पीछे बड़ी जान बड़ी कुर्बानियाँ हुई हैं लेकिन ऐसे निकम्मे ना अहलों के हाथ में आया कि जो अपनी हुकूमत बचाने के चक्कर में रहे उन्हें ना ख़ुद अपनी तामीर का ख्याल आया ना अपनी नस्ल की तामीर का ख्याल आया पैसे का कम हो जाना तो कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं नसल का गुम हो जाना इससे बड़ा कोई नुकसान कोई नौजवान नसल को मंजिल का ही ना पता हो उनके सामने कोई हदफ ही ना हो सिर्फ़ पैसा और सिर्फ पैसा और सिर्फ पैसा इसके सिवा वो कुछ जानते ना हों तो वो कौम बर्बाद हो गई जिनकी नस्ल अपनी अकदार भूल गए अपने मैार भूल गए अपनी इज्जत के पैमाने अपने हाथों से तोड़ दिए और सिर्फ शहवत के गुलाम बन गए नाचना गाना शराब जिना ये सारे माशरे का कल्चर बन जाए उस माशरे को हलाकत से कोई चीज़ नहीं बचा सकती कभी वो मुआशा रख चूंकि वो अभी अभी तक अभी तक अल्लाह ने किसी को अपनी हुकूमत में शरीक नहीं बनाया है और ना वो आइंदा बनाने वाला है ये धरती अल्लाह की है ये आसमान अल्लाह का है या वो होता है जो अल्लाह चाहता है या वो होता है जो अल्लाह का अमर होता है या वो नहीं हो सकता जो मैं और आप चाहें और मेरे अल्लाह का फैसला है कि जब ना फरमानी होगी अल्लाह धो देख जब बेहाई अल्लाह तला की तरफ से झाड़ू चलेगा पहली कौमें इसलिए हलाक नहीं कि टेक्नोलॉजी में मार खा गई थी फ्रोन को टेक्नोलॉजी में मार खा के समंदर में गर हुआ था वो कितने लाखों का लश्कर लेकर ताकुब में चला था और अल्लाह ताला ने एक पल में अदना हो वह जुनूद हो हु फन बदना फिल यम में वह व मुलीम, अल्लाह ने पकड़ के पानियों में डाला और हमेशा के लिए इबरत का निशान बनाया आज खूद इस्लाम की कौम इतनी ताकतवर कौम थी वो लम्बे लंबे उनके कद थे तीन तीन सौ साल तक उनकी जवानी चलती थी एक हवा के ज़रिए ने उनको उड़ाया और उनके खोपड़ियाँ फाड़ के रख दी आपस में टकरा 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 के उनके सर अलग कर दिए धड़ अलग कर दिए सलम की कौम पर फरिश्ते ने चीख मारी इस इसलम की कौम कोल्ला ने खड़े खड़े खनजीर बना दिया वजाल मनुमलक्रदतल नाज़िर और बनु इसराइल के पूरे पूरे एक इलाके के लोगों को अल्लाह ने रात रात में काकून किरदतन खास रात रात में सबको अल्लाह ताला ने बंदर बना दिया सलाम की कौम पे पाँच अजाब अल्लाह ताला ने उठा के मारे कि एक आदमी अल्लाह ने उसमें जिंदा ना छोड़ा सबको जाके तह खा के पहुँचा कर ऊपर एक गंदा पानी उन पर मुसलत कर दिया जिसको डेड सी कहते हैं जो इतना गाढ़ा है कि उसमें छलांग भी लगाओ तो कोई नहीं डूबता है इतना गाढ़ा वो पानी है उसमें डूबता कोई नहीं वो कोई सत्तर मुबा मील में फैला हुआ इलाका है मैं गया हूँ वहाँ वो अल्लाह ने जब जबरील ने ज़मीन को उठाया ना उठा के ज़मीन पर मारा वो सारा पहाड़ी इलाका है लेकिन एकदम एक जगह पहुँच कर नशेब आ जाता है यूँ ऐसे नशेब। इधर भी पहाड़ इधर भी पहाड़ और बीच में ऐसे एक वादी है जो को तीन सौ मील लंबी है जब अल्लाह ताला ने जबरील ने अल्लाह के अमर से कौम लूत की कौम को ज़मीन पर फेंका मारा तो इस ज़ोर से वो ज़मीन पर गिरे के दाएँ बाएं तीन सौ मील में ज़मीन धंस गई नीचे धंस गई जब अब आप कोई पत्थर जमीन पर फेंको ना तो थोड़ी थोड़ी जमीन चारों तरफ से नीचे बैठ जाती पूरी बस्ती थी लाखों की आबादी जिसको नीचे से फोन और से फोन नंबर जमीन पर जो फेंका वो इतने जोर गिरे तीन एक मील दाएं बाएं जमीन अंदर धंस गई इधर भी पहाड़ इधर भी पहाड़ और बीच में पूरी एक वो वादी बन गई है जिसमें अब खैर अब आबादी है लेकिन वो जगह वहां अभी तक वो गंदा पानी खड़ा हुआ है जो इस बात का ऐलान कर रहा है कि ना फरमानी के साथ ये ये किया जाता है क्योंकि अभी तक कायन की बागडोर अल्लाह के हाथ में है और फैसले वो आसमान से करता है निजाम वो चलाता है तरतीब उसके हाथ में है कुदरत उसके, उसके हाथ में है फैसले वो करता है ला सारी शान सारी कुदरत सारी हैबत सारे फैसले आसमानों से होते हैं उसके मुल्क में फैसलों में तदवीर में तकदीर में और निज़ाम में कोई शरीक नहीं हो सकता कोई शामिल नहीं हो सकता है तो भाई वो जब नाराज़ होता है तो ज़मीन व आसमान को ज़ेर ज़बर कर देता है और जब वो राज़ी होता है तो ज़मीन व आसमान की बरकतों के दरवाजे खोल देता है तो अल्लाह ताला ने हमें हज़रत महम्मद सल्लासम जैसा रहबर दिया जिसने क्या मत तक आने वाली एक एक चीज़ को आँखों से देख के बता दिया आपको अल्लाह ताली ने जन्नत दिखाई जहन्नम दिखाई पर जन्नत जन्म जहन्नम तो बड़ी छोटी चीज़ है मैं ये कह रहा था कि अल्लाह ताला ने हमारे नबी को वह आँखता फरमाई कि सातों आसमान से उठाकर शदरतलमनतहा से उठाकर अर्ज के ऊपर से उठाकर सारे सत्तर हज़ार सत्तर हज़ार से मुरादा बेशुमार सत्तर हज़ार बेशुमार जो पर्दे थे अल्लाह और खलक खलकत के दर वो सारे उठाकर अल्लाह अपनी ज़ात के साथ सामने आ गया था अपने नबी की हज़रतबन अब्बास ने पूछा यारसोल री त रबाल तो नूर आक आपने अपने रब को देखा यारसर कहाँ मैंने देखा मैंने उसके नूर का उसके जमाल का मैंने मुशाह किया वो आँख कितने इल्म रखती है जो अल्लाह को देख ले वो कान कितने ताकतवर हैं जो अल्लाह की आवाज़ सुन ले वो सीना कितना ताकतवर है जो अल्लाह की तजल्लियात को हज़म कर जाए देखो ना मुसल इस्लाम पे तजल्ली आई पहाड़ से लौट कर पहाड़ से लौट कर आई है होश नहीं आया है यहाँ सीधा अल्लाह की ज़ात आली का दीदार है और अल्लाह को आंख देख रही है कान सुन रहा है जबान बात कर रही अच्छातल्ला वलवात व तयबात ये अल्लाह ताला से ये बात हो रही आगे जवाब आ रहा है नबी रहमतुल्लाहि व हो उसके जवाब में हमारे नबी फरमा रहे हैं अलैना इबादल हिस्सा ये मुकालमा अल्लाह के सामने देखते हुए अल्लाह की सुनते हुए कितना कितना अजीम रसूल अल्लाह ताला ने बनाया फिर मुकालमा हो रहा है या अल्लाह इब्राहिम को आपने खलील बनाया और मूसा मूसम को आपने कलीम बनाया और दाऊद इस्लाम को आपने लोहा नरम करके दिया और सुलेमान सलीमान को अल्लाह आपने तबे कर के दी और ईसा आल्लाम को अल्लाह आपने मुर्दे ज़िंदा करके दिए तो यह मेरे लिए क्या है यह सात बात हो इतना लम्बा चौड़ा मुकालमा हो रहा है तो आगे अल्लाह ताला जवाब मेरे साथ फ़रमा रहा है अबलई सकत आते ही तो का अफजल अलमिंदारी का कुल्ले ऐ मेरे नबी मैंने तुम्हें सब चीज़ से आला चीज़ अता की है अल्ला तो कर तो अल्ला तो करता मै क्या मत तक तेरा मेरा नाम इकट्ठा रहेगा जुदा नहीं हो सकता सबसे अलग चीज, चीज़तरबत दे दी कि मैंने आपको अपने करीब कर लिया अब ये लाला ला के साथ मोहम्मद और रसोल्ला जुड़ गया है अब ये कभी नहीं मिट सकता अल्लाह को पाने के लिए कोई रास्ता नहीं मोहम्मद और रसुल्ला संद हैं डिग्री हैं क्यों भाई उधर बाजार उधर किसी मेल में कोई चला जाएगा जी मैं टेक्सटाइल इंजीनियर मुझे रख लो तो सबसे पहली चीज वो क्या कहेंगे आपके पास डिग्री है पाकिस्तान में दो कॉलेज जा, हैं एक जाए, एक दूसरा कहाँ है कराची में है तो सबसे पहली चीज जो आपसे मांगेंगे ना कहेंगे आप अपनी डिग्री दिखाओ तो आप वहां जेली, जेली सनत पेश कर सकते हो जेली सनत के साथ आपको कोई रखेगा वो कहेंगे जब आप हमें डिग्री लाओ ये डिग्री ये सनत ये एक जमानत है कि ये आदमी सही जानता है उसके आलिम होने की जमानत नहीं है सिर्फ इस बात की जमानत है कि ये आदमी सही रास्ते पर है सही चीज को इसने हासिल किया हुआ है एम बी बी एस की डिग्री दिखाओ वो वैसे कोई बैठ जाए फट्टा लगा के तो पकड़ के जेल में डाल देंगे तो अल्लाह तक पहुँचने के लिए सिर्फ़ एक रास्ता वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक जिंदगी है उसे छोड़कर उससे हटकर कोई अल्लाह तक पहुँचने का दावा करे तो भाई वो गुमराही पर है सही रास्ते पर नहीं है वो अल्लाह को नहीं पा सकता वो अल्लाह तक नहीं जा सकता अल्लाह तक जाने के लिए सिर्फ़ हज़रत सल्लल्लाहु सल्ला वसल्लम की पाक जिंदगी है अब उसकी हिफाजत अल्लाह के जिम्मे थी कि मैं क्योंकि आपकी ज़िंदगी ने नमूना बनना था तो अल्लाह ताला ने उसको क्या मत तक के लिए महफूज कर दिया ताकि उसमें कोई आज के दौर का टेक्सटाइल का लड़का कहे जी अल्लाह को कैसे राज़ी करूं तो ये देखो ये क़ुरान है जिसके ज़ेर ज़बर में कोई तब्दीली नहीं कर सका और ये अल्लाह के महबूब की सीरत और ज़िंदगी है जिसमें आज तक कोई दज्जाल अपनी तरफ से कोई चीज़ दाखिल नहीं कर सका ये सिक्का बंद चीज़ है इसके पीछे चलोगे तो अल्लाह मिलेगा औरतें चलेंगी मिलेगा मर्द चलेंगे मिलेगा इससे हटकर उन तरतीबों को तोड़कर जो कहेंगे हमें अल्लाह मिल गया है तो वो धोखे का शिकार हैं। इसलिए क्यामत का एक नाम है तगाबुन वजहली का तगाबुन धोखे का दिन फ्रॉड का दिन फ्रॉड का दिन क्या मतलब? उस दिन ना फरमान कहेंगे हाय हमारे साथ धोखा हो गया हाय हमारे साथ धोखा हो गया हम धोखे में मारे गए तो उस दिन एक पुकार होगी धोखा हो गया धोखा हो गया धोखा हो गया फ्रॉड हो गया हम क्या थे हम क्या समझते रहे निकला क्या हम किधर जा रहे थे पहुंचे कहाँ तो ये एक नाम क्या का योम गबन भी रखा गया है कि उस दिन हर इन नाफरमान अपने धोखे से निकलेगा लेकिन उस दिन बात ख़त्म हो चुकी होगी मोहलत ख़त्म हो चुकी होगी तो मेरे अजीज़ों हजरत मोहम्मद सल्ला तबारक वसल्लम की पाक जिंदगी वो अल्लाह तक पहुँचने के लिए नमूना है आपकी पैदाइश से लेकर वफात तक सारी जिंदगी अल्लाह ताला ने महफूज कर दी है ऐसी महफूज की है कि ना किसी बादशाह की ऐसे तारीख लिखी गई ना किसी बड़े वजीर की ऐसे तारीख लिखी गई न किसी साइंसदान की न किसी दानश्वर की न किसी मफक्र की न किसी शायर की एक यतीम के लिए अल्लाह ने जो कलम चलवाया लोगों का आप मुस्कुराते कैसे थे आप रोते कैसे थे आप गमगीन कैसे होते थे ये कोई बात अगर इन बातों का हमें ना पता हो तो शरीयत में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है लेकिन अल्लाह ने वो बातें भी लिखवा दी कि जब आप गमगीन होते थे तो ऐसे बैठते थे ये आपके गम की निशानी सीधे आज से दाढ़ी पकड़ी होती थी और इस ठो और इस कोने को इस हाथ पर रखा होता था ऐसे और आप ऐसे बैठे होते थे ये आपके ग़म की निशानी कि आज अल्लाह का नबी गमगीन बैठा है और थोड़ी देर के बाद आप ऐसे सर पर हाथ फेरते ऐसे और फिर यूं दाढ़ी पकड़ के बैठ जाते ऐसे बैठते थे इतनी बारी अगर मसलन ये चीज़ आपको मुझे मालूम ना हो तो हमारे क्या फ़र्क पड़ता है लेकिन अल्लाह ने एक ही हबीब बनाया एक उससे मोहब्बत की उससे इश्क किया फिर उसकी ज़िंदगी को अल्लाह ताला ने खुद उसकी सारी अदाओं को अल्लाह ताला ने खुद आप कहाँ मुस्कुराए के दांत ज़ाहिर हुए आप कहाँ मुस्कुराए कि दाड़ें भी जाहिर हुई आपकी दाढ़ मुबारक भी नजर आ रही थी जब आप हंस रहे थे तो आपकी दाढ़ें भी नजर आ रही थी जब आप हंस रहे थे तो सिर्फ आपके दांत नजर आ रहे थे आप किस जगह पर कैसा रोए हिचकियों से रोए या आंसों से रोए या आपने ठंडी आह भरी ये इतनी छोटी छोटी बारीक बातों को भी अल्लाह ताला ने महफूज करके लिखवा दिया आपको क्या पसंद है आपको कौन सा गोश्त पसंद है आपको दस्ती पसंद थी बकरी की दस्ती तो अबू अमर रजी तैन आपके लिए ना पका रहे थे देख देख पक रही थी और लोगों के लिए तो आप तशीफ तो लगा आपने कहा अब अमर ये मुझे दस्ती पकड़ाना वो बोटियाँ करके नहीं पकाते थे पूरे पूरे पार्चे पकड़ पूरा हिस्सा डाल के पकाया जाता तो उन्होंने ऐसे डोई से ना आपको पूरी दस्ती निकाल के दे दी तो आपने दोनों हाथों से पकड़ कर उसको ऐसे दांतों से नोच नोच के खाया और फिर उसको हड्डियों को रख कर फिर आपने कहा अब अमर नावल नियत दे ये निकालो इसमें से दस्ती निकालो तो उन्हें दूसरी निकाल के दी तो आपने ऐसे दोनों हाथों से पकड़कर उसको इस तरह दांतों से काट के खाया और हड्डी फेंक कहा अब अमर ना मिलने अर तेरा अब वमर मुझे दस्ती पकड़ाओ वो कहने लगे यार रसूल अल्लाह अब बकरे की तो दो ही होती हैं तो आप तो आपने कहा अल्लाह के बंदे अगर तू मेरे कहने पर कहने पर हाथ डाल देता तो जब तक मैं कहता रहता अल्लाह मेरे लिए निकाल के मुझे खिलाता रहता आपको शहद का शरबत पसंद था खजूर का शरबत पसंद था अंगूर का फल पसंद था बरनी खजूर पसंद थी अजवा खजूर पसंद थी बैरो का ठंडा पानी पसंद था सफेद लिबास आपको पसंद था कमीज आपका पसंदीदा लिबास था चाल में आपके आजजी और मस्कनत थी पांव छोटे रखते थे चाल में तेज़ी होती थी गर्दन झुकी होती थी नजर उठा के नहीं चलते थे मर्दों में भी बैठते हुए आपकी नजर नहीं उठती थी चे जाए के कोई औरत सामने आज इस मखलूत तालीम ने बेहयाई को ऐसा भड़काया है ऐसा भड़काया है कि आग लगा के रख दी मुसलमान हमारी एक जिंदगी है हम मगरब के गुलाम नहीं हैं, बन गए अपने करतूतों की वजह से बन गए तो फिर जो ग़ुलाम होता है उसके अपनी कोई अकदार नहीं होती जो आका कहेगा उसे वही करना है हमारी बदकिसमत है कि हम अपनी नाफ़रमानी की वजह से अल्लाह के नबी ने फरमाया था इदत तो खदल्फ़ी उदू वाला जब मेरी हुकूमत जब मेरी उम्मत के हुक्मरान वो मुसलमानों के माल को लूटना शुरू कर देंगे बल अमां न और अमानत जिसके पास रखी जाएगी वो खा जाएगा व ज़क़ात तो मगरमा मालदार लोग जक़़ात देना छोड़ देंगे व तिलमल गैर दीन और के कदम बादशाहों के दरगाहों की तरफ बारगाहों की तरफ उठना शुरू हो जाएंगे अल्लाह के दर से हट कर वह बादशाहों के दरबारों की सीट के मुतलाशी हो जाएंगे व अता और हो और लोग बीवियों के फरमा हो जाएंगे वक्ा उम्मा हो और माओ के नाम फरमान हो जाएंगे और अदना सदीका हो और दोस्त का इस्तबाल करेंगे वह अक्सा अबा हो और बाप को धक्के देंगे माँ बाप से बदतमीजी करेंगे दोस्तों का इकराम करेंगे माँ बाप को घूर के देखेंगे दोस्त को खुश हो के देखेंगे माँ बाप को पानी पिला के राज़ी नहीं होंगे दोस्तों के लिए उनको मरी में भी जाकर खाना खिलाने के लिए तैयार हो जाएंगे अल्लाह के नबी ने फरमाया काश मेरे माँ बाप होते मैं उनकी बड़ी खिदमत करता और नहीं तो मेरी मां तो जरूर होती और मैं ऐशा की नमाज के लिए मुसल्ले पे खड़ा था सूरत फातह शुरू कर चुका होता और इधर मेरे घर की खिड़की खुलती और मेरी मां मुंह निकाल के कहती मोहम्मद तो मैं नमाज तोड़ के कहता जी अम्मा जा का रसूल का जज्बा है हाय हाय अबू हरारा रजीरानो जहाद पर तैयार हो गए उनकी माँ ने कहा बेटा मुझे अकेले छोड़ के तो ना जा कहने अल्लाह के नबी ने कहा मैंने जाना है तो उन्होंने कहा मैं तुझे अपने दूध का वास्ता देती हूँ जो मैंने तुम्हें पिलाया है मुझे छोड़ के ना जा कहने नहीं, नहीं मैंने जाना है और हथियार सजा लिए उनकी माँ ने अल्लाह के नबी को पैगाम भेजा कि मैंने अबू हरारा को दूध का वास्ता दिए फिर भी नहीं रुका अबू हरारा हथियार सजा के मस्जिद में आए तो आपने मुंह इधर फेर लिया अबू हरारा को देखा भी नहीं वो परेशान हो गए क्या हो यार रसोल्ला चले जाओ मुझे तुम्हारे जहाद की जरूरत नहीं तेरी मां ने तुझे दूध का वास्ता दिया फिर भी तेरा दिल ना पसीजा इसके बाद तू कौन सा जिहाद करना चाहता है किस जहाद में तू जाना चाहती आप जन्नत में तशरीफ ले गए तो आपने जन्नत में कुरान की तिलावत सुनी आपने पूछा ये कौन तिलावत कर रहा है तो फरिश्तों ने कहा जी हारसा बेनौमान तिलावत कर रहे हैं तो हारसा मदीने में बैठे तिलावत इतनी आवाज़ आ रही है कि चक्कर है उन्होंने कहा माँ की खिदमत की वजह से अल्लाह ने ये इज्जत बख्शी जब कुरान पढ़ता अल्लाह सारी जन्नत को सुनाता और एक सहाबी की बीवी ने पैगाम भेजा यार मेरे खामिद मर रहे हैं कलमा नहीं पढ़ सुहाबी और कलमा ना पढ़ा जाए सहावी कल ना पड़ा जाए सारी दुनिया के अबदाल कुतुब सहाबी के पाओं की खाक के बराबर तो आपने पूछा माँ बाप में कौन जिंदा है जी मां जिंदा है का नाराज़ है कहाँ जी नाराज है तो आपने उसकी माँ को पैगाम भेजा के अलकमा उनका नाम था अलकमा मैं आपसे मिलना चाहता हूँ वो खुद आ गई तो आपने फरमाया तुम अलकमा से नाराज हो कहा जी नाराज़ क्या नाराजगी क्या रसूल मुझे उसके दीन का कोई गिला नहीं बहुत नेक है बदतमीज है जबान से जब बोलता है तो दिल तोड़ देता है जबान का बदतमीज है और कुछ नहीं सिर्फ जबान की तेजी बुलाओ तो खाने को आता इस जवानी में यही ऐसा ही ले जाता है नौजवानों का अपने माँ बाप के साथ कैसे काटने को आते हैं खाने को आते हैं यह तो सहाबी का कलमा रोका पड़ा मेरे आपके साथ क्या हो अगर तुमने माँ बाप को ऐसे बदतमीजी से बोलना सीख लिया तो क्या करोगे मरते वक्त तुम्हारी टेक्सटाइल तो नहीं तुम्हारे काम आने की कबर में अगर तुम सिर्फ टेक्सटाइल इंजीनियर हो तो मकड़ी की मकड़ी तुमसे बेहतर टेक्सटाइल इंजीनियर है। कैसा धागा बनाती और कैसा नक्शा बनाती तो आपने कहा माफ करोगे कहानी मैं नहीं माफ करूंगी तो आपने हजरत बिलाल से कहा बिलाल लकड़ियां इकट्ठी करो और अलकमा को आग लगाओ वो कह लेंगे या रसूल अल्लाह वो कह लेंगे आप अलकमा को आग लगाएंगे कहा तू माफ नहीं करेगी ना तो ये सीधा दो जख्म में जाएगा और मैं जला दूंगा तो दो जक से बच जाएगा तो कहने लेंगे नहीं इतना तो मेरा हौसला नहीं कि मैं ये ये देख सकूं मैं उसे माफ़ करती हूं ये कहना था मैं माफ़ करती हूं तो अलकमा की जबान पर कलमा जारी हो गया और साथ ही उनका इंतकाल हो गया फिर आपने उसका जनाजा पढ़ाया फिर आपने फरमाया जिसने जिसने माँ बाप को दुख दिया उस पर अल्लाह की लानत फरिश्तों की लानत ज़मीन आसमान की लानत ना नमाज कबूल होगी ना रोजा ना सदका तो आपने फरमाया कि जिस वक्त मेरी उम्मत में माएँ जलील होंगी बाप दर बदर होंगे ठोकर खाएंगे, दोस्तों की इज्जत और इकराम होगा और बाप को जलील किया जाएगा वसादल कबीला तफासक हों और कबीले का सरदार फासक फाजर होगा वकाना रईसल कौम अर्जल हों और हुकूमत निकम्मे इंसानों के हाथ में होगी व उकर मर रजुलखाफत अशर रही एक दूसरे को सलाम करेंगे अंदर में बोगस भरा हुआ होगा एक दूसरे को सलाम करेंगे अंदर में कोई ना कोई मफाद भरा हुआ होगा और मसाजिद और मस्जिदों में लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी वल वालिफ और सारी उम्मत गाने बजाने में डूब जाएगी ये वो दौर है जब सिवाय कुरान के किसी घर में किसी चीज की आवाज नहीं आती थी और अब आगे देख के बता रहे थे कि एक वक्त आने वाला है जब सारी उम्मत मौसीकी में डूब जाएगी वाहरतल्कायनात और गाने वालियाँ मुआजस हो जाएंगी मोहतरम हो जाएंगी वलमाजिफ और गाने के आलात सारे टेक्सटाइल के हॉस्टल में म्यूजिक की आवाज़ चारों तरफ गूंज रही है मैंने हॉस्टल लाइफ गुजारी है म्यूजिक कैसे गूंजता है मैं खुद उस दौर से गुजरा हूँ लेकिन मैं तो जानवर था मुझे तो पता नहीं था और इस तरह तबलीग का काम भी कोई नहीं था कि हमें आकर कोई बताता और समझाता तो मैं तो हम बता रहे हैं यहाँ आके बयान किया था जुनेद जमशेद ने ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में तो मैं भी साथ था तो का देखो मेरे अजीज़ों मैं गाने वाला हूँ मैं तोबा कर चुका हूँ तुम सुनने से ही तोबा कर लो ये कैसे दीवाने हैं जो कहते हैं मौसी की रूह की गजा है ये रूह की गजा होती तो मैं छोड़ देता बोला तुम रोटी छोड़ दोगे पानी छोड़ दोगे तुम्हें कोई लाख तकरीरें करें तो रोटी छोड़ दोगे पानी छोड़ दोगे तो जो चीज़ रूह को तकवियत पहुँचाए उसे कौन छोड़ेगा रूह को तकवीत पहुंचाने के लिए सिर्फ तुम एक दफा कहते हो ना अल्लाह तो तुम्हारी रूह का रूवा रुआ सर शार हो जाता जब जब कहते हो ना ला, ला तो तुम्हारी सारी रूह में नगमे नगमे गुंजने लगते तो उसने कहा मैं गाने वाला तोबा कर चुका तो सुनने वाली भी तो तौबा करो कि वल आजिफ गाने वालिया गाने मौसीक़ी आम शुरबतुल्खमूर और शराब पी जाएगी वालाना आखर हद उम्मत अवल मैं लाहौर में था एक बड़े अफसर कहने लगे जी कुरान में कहाँ लिखा है शराब हराम है मैंने कहा कुरान में कहाँ लिखा है जिना हराम है दिखा दो कहीं कुरान में लिखा हो कि ज़िना हराम चलो ज़िना तो एक मुसलमान भी कर सकता है शराब एक मुसलमान भी पी सकता है सारे कुरान में कहीं दिखाओ कि लिखाओ शिर हराम है पत्थर की पूजा हराम है अल्लाह के बंदो तुमने अंग्रेजी पढ़ी है तुमने अरबी नहीं पढ़ी तुम अरबी का मुहावरा कैसे समझ सकते हो एक हराम करते हो एक उसको हलाल कहते है। एक शराब पीना को उसको हलाल कहना एक नमाज ना पढ़ना एक उसको हलाल कहना यह तो इस्लाम से ही बाहर निकल गए चूंकि हम मगरब की ताकतवर दावत से मुतासर है मीडिया बोल रहा है टीवी चल रहा है सीरीज चल रही किताबें चल रही और आप अपनी बुनियाद समझते नहीं हो आपके पास अपने दीन के बारे में कुछ नहीं पचानवे फीसद नौजवान नमाज नहीं पढ़ते जिस ओ हो जिस नमाज पापने का जो लत खुर्रा तो आईन फिस मेरी आंखों की ठंडक नमाज है और करबला की तपती हुई रेत और झुलसती हुई हवा और कायनात का सबसे संगीन वाक्य रू पजीर हो रहा है सबसे बड़े जुल्म की दास्तान लिखी जा रही और आले रसूल के सर कट रहे हैं और कायनात का सबसे पाक खून धरती पर बहन बह रहा है और कायनात की सबसे पाक हस्ती के सीने में तीर पार हो रहे हैं और उसके सामने उसकी नस्ल सबा हो रही है और नमाज सूरज ढलता है और नमाज का वक्त आता है तो उन्होंने उन्होंने जहैर अबनल कैन जो आपके राइट साइड के झंडा बरदार थे उनसे कहा जाओ इनसे कहो नमाज पढ़ने दो तो अब नमाज पढ़ने की क्या जरूरत अभी तो अल्लाह से मुलाकात हो जानी है तो नाम भी पढ़े तो क्या हर्ज है थोड़ी देर के बाद तो सर कटने वाला है तो उन्होंने जहर को भेजा वो आ, वो शिमर के पास के करीब पहुँचे जंग तो ज़ोरों पर थी वो शिमर के करीब पहुँचे और ज़ोर से कहा थोड़ी देर के लिए जंग रोको नमाज पढ़ने दो तो शिमर ने कहा तुम्हारी नमाज नहीं होती है तो उन्होंने कहा अल्लाह की लानत हो तुम पर जिनके तो फैल नमाज मिली उनकी नहीं होती और इस घर की वजह से तो नमाज़ मिली है इन्हीं की नहीं होती तुम्हारी होती है तो उन्हें वापस आकर कहा कि जी वो नमाज की इजाज़त नहीं मिल रही तो आपने कहा आधे दुश्मन के सामने खड़े हो जाओ और आधे सफ़े बना लो और नमाज शुरू हो गई और नमाज पढ़ी गई और ऐसी नमाज है कि खून बह रहा है धड़ कट रहे हैं गर्दनें जुदा हो रही हैं ये वो सजदा है जिस जैसा सजदा शायद पीछे आने वाले जमानों में और किसी ने ना किया होगा कि जिनके वजु भी उनके खून से हो रहे थे जिनके मुसल्ले वो करबला की तपती हुई रेत बन रही थी पचानवे फीसद लोग नमाज नहीं पढ़ते कुरान का पहला सफा कह रहा है الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة सारे कुरान को ढूंढने की जरूरत सिर्फ पहला सफा पढ़ लो कामयाब कौन लोग हैं जो अल्लाह पर ईमान लाए गैब पर और नमाजों को जिंदा कर दिया जुमे का दिन था जोहर की नमाज पढ़ी है और असर की नमाज से पहले शहीद हो गया और हज़रत आमिर ने आस रजीला तला मिस्र के लड़ाई में अमीर थे तो उन्होंने ईसाइयों ने पैगाम भेजा जुमा तुम्हारा दिन है हफ्ता यहूद का दिन है इतवार हमारा दिन है पीर के दिन जंग होगी तो ठीक तो जुमे की नमाज हो रही थी और उन्होंने बदअहदी की और अचानक हमला कर दिया दूसरी रकात में खड़े थे पहली हो चुकी थी जब ईसाइ ने आकर हमला किया है पीछे हमला हुआ है आगे नमाज हो रही है अब नमाज तोड़ देने का हुक्म आ चुका है नमाज तोड़ दो बाद में पढ़ लो और अभी इनका जवाब दो एक आदमी ने नमाज नहीं छोड़ी कटते रहे नमाज नहीं छोड़ी और सरार लश्कर अमर इब्न न्याज खुद नमाज पढ़ रहे थे उस एक रकात में दो सफे पूरी कट गई सारे मिस्र की जंगों में पांच बरस में इतने लोग शहीद नहीं हुए जितने उस नमाज की एक रखत में शहीद हो तो गए और तुम लोग सिर्फ अच्छे भले नमाजी इम्तिहान में नमाज छोड़ते हैं पढ़ाई का जोर पड़ गया पढ़ाई का जोर पड़ गया पीछे धड़ कट रहे हो सर तन से जुदा हो रहे हो और आगे आदमी नमाज में खड़ा मरने को तैयार हो कितना धन जगरा चाहिए इसके लिए जिस जो कौम ये तारीख रखती हो उसी कौम की पचानवे फीसद नौजवान नसल सजदे से इनकार कर चुकी तो तुम्हारा ये पैसा तुम्हें क्या इज्जत देगा तुम्हारी टेक्सटाइल तुम्हें कहां पहुंचा सकती है जब तुम अल्लाह और उसके रसूल से ही बागी हो जाओगी माल की क्या बात अल्लाह ने फिर दे दिया था कारून को दे दिया था, था हम आज यहूद को अल्लाह ने इतना रिस्क दिया हुआ है तो क्या अल्लाह यहूदियों से खुश हो गया शरीर अजाब में मुबतला है होने वाली नस्ल है यहूद की तो मेरे भाइयों अल्लाह को मतलूब बनाओ अल्लाह को उसको सामने रखकर जिंदगी का सफर तय करो उसमें चाहे टेक्सटाइल इंजीनियर बनो चाहे डॉक्टर बनो चाहे तुम ताजर बनो साइंसदान बनो जिमीदार बनो मंजिल तो सामने रखो कहां जाना है वो तो सामने रखो भाई अचानक मौत आ जाए क्या पल्ले होगा एक बड़ी वो ना अच्छी वो मॉडर्न फैमिली का नौजवान ना कराची में तबलीग में लग गया दाड़ी रखी तो सारी फैमिली उनकी लड़कियां जीन पहनने वाली कठे बाल तो सारी फैमिली ना उसके ऊपर चढ़ कहा दाढ़ी कटाओ दाढ़ी कटाओ दाढ़ी कटाओ वो सारी फैमिली का प्रेशर न सह सका और उसने दाढ़ी मुंडा दी चार महीने बाद मर गया तो उसका बाप उसके सराने खड़ा होकर कह रहा था अगर मुझे पता होता तेरी इतनी मुख्तसर जिंदगी है तो मैं ये काम तो इससे कभी ना करवाता अरे बेवकूफ़ अपने हाथों से तूने अपने बेटे को हल्क कर दिया जिंदगी मुख्तसर हो या लंबी हो तरीका तो मेरे नबी का चलने वाला है इमाम हुसैन ने क्यों हुकूमत को ठुकरा दिया सारी औलाद जबा करा दी नहीं ये सौदा मैं मुझे कबूल नहीं हालांकि उनकी जन्नत का फैसला तो मां की गोद में हो चुका था आप उनका हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं फिर एक शख्स अपनी आंखों के सामने हो एक बेटा जबा हो रहा दूसरा जबा हो तीसरा जबा चौथा जबा हो भतीजे जबा हो भाई जबा हो अल्लाह अकबर, क्या अल्लाफ है और माथे पे बल ना आ रहा हो तो तुम ऐसी तारीख रखो फिर तुम्हारे हॉस्टल में धड़ म्यूजिक चल रहा हो गाली गलोच हो नमाज पे आठ दस लड़के मस्जिद को जा रहे हो तो कहा जा रहे हो क्या बनाना चाहते हो कितना कितना को बन जाओगे कोई हम बेनाम मखलूक होते कोई हमारी तारीख ना होती कोई हमारा माजी ना होता हमें पता ना होता कि हम किस काफ़ले के बिछड़े हुए लोग हैं तो फिर जो मर्जी करते लेकिन क्या करें भूल ही गए मुद्दत हुई सद ने छोड़ा भी तो क्या ताब परवाज नहीं राह चमन याद नहीं तो भाइयों एक बात तो मैं यह आपसे अर्ज करने नहीं। कि देखो ये जिंदगी पता नहीं कब शाम हो जाए तो इसमें वो करो जो अल्लाह उसके रसूल को पसंद है उसको सीखो ये तबलीग उसको यहाँ तुम टेक्सटाइल सीख रहे हो तबलीग इसको सीखने की मेहनत है कि मेरा अल्लाह कैसे राजी होगा अल्लाह का रसूल कैसे राजी होगा उनके पीछे मैं कैसे चलू मेरी जिंदगी की हर सुबह हर शाम उस तरतीब पर चले इसको सीखो मेरे मैं बुलाने वाला अचानक बुलाता है पता भी नहीं चलता तो अपनी जिंदगी में दीन को आगे रखो आख़रत को आगे रखो अपनी दुनिया को पीछे रखो दुनिया के सिलसिले पीछे रखो और दूसरी चीज़ ये है जो पढ़ रहे हो उसको भी ना सिर्फ कमाई के लिए मत पढ़ो सारा सारी की सारी उम्मत डामाडोल है और सबका किबला पैसा बन चुका है हर हर शोबा और फ़न इसलिए पढ़ा जा रहा है कि इसमें पैसा ज्यादा है इसमें पैसा ज्यादा है इसमें पैसा ज्यादा है इस जहन का मुआशरा वो कौमों को किसी भी किसी भी किनारे नहीं पहुंचा सकता तुम हमारा कीमती सरमाया हो अगर तुम्हारा कंप्यूटर सिर्फ पैसे पर फिट हो गया तो तुम न तुम खुद भी हलाक हो नस्ल भी हलाके तो तुम अपने कंधों पर एक इजमाही जिम्मेदारी महसूस करो कि हमने बातल की टेक्नोलॉजी से आजाद होना यह तो एक कायनाती है ना कि मगरब का इल्म है जो कौम मेहनत करेगी अल्लाह उनको दे देगा जो कौम अपने आप को खपाएगी अल्लाह उनको अता फरमा दे मगरब का इल्म नहीं ये छोटा है छोटा सा सिंगापुर है छोटा सा कोरिया है छोटा सा तइवान है जो उनकी दुनिया की मेहनत है उसकी तारीफ तो करें उनमें कुफर है उनमें शराब है जिना है जो कोई वो अलग चीज़ है लेकिन ये दुनिया का दुनिया असबाब है उन्होंने उसमें मेहनत की है कोशिश की है तो तुम इसको इस इल्म को पढ़ो सिर्फ इसलिए इस नहीं कि हमने हमने तनख्वाह लेनी है बड़ी अच्छी और जनरल मैनेजर बन जाना है फिर हमारे पास बड़े पैसे आ जाएंगे हमने पूरी नस पूरी अपने कौम को मुल्क को हमने इस सवाल से निकल अपने पाओ पे खड़ा करना है सबसे बड़ी जो मेन क्रॉप है पाकिस्तानी में जमींदार का बेटा कपास है सारा पाकिस्तान जो चल रहा है वो कपास के ऊपर चल रहा है बाकी चीजों से बरा नाम है और इसको सब इसको अंदर ही अंदर 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 इसको तोड़ने की कोशिश डॉक्टर यूसुफ साहब यहां थे वो एक नई कॉटन आई है बीटी जिसको सुंडी नहीं लगती है। तो उन्होंने वो बना ली अल्लाह के फजल से हम दो साल से काश्त कर रहे हैं वो चालीस फी एकड़ हो रही है और उसको सुंडी वाकई नहीं लगती है सिवाय लश्करी के लश्करी ऐसे कमज़ोर से सुंडी वो हल्के से सपरे से मर जाते तो वो मुझे कह रहे थे कि मौलाना साहब दुआ करो हमारी सारी तहकीकात को रोकने की कोशिश हो रही और ऊपर लोगों को खरीदा जा रहा है और अगर मैं ये कामयाब हो जाता हूं तो ये जितनी मल्टी नेशनल को 16 अरब रुपए का बिजनेस कर रही हैं सिर्फ ये सुंडी मारने की दवाओं का उनके वो पैसे डूब जाएंगे और वो पैसा हमें मिलेगा हमारे जिम्मेदार को मिलेगा हमारी कौम को मिलेगा लेकिन वो अंदर ही अंदर कोशिश कर रहे हैं कि हम इनकी ये रिसर्च यहीं रोक दें तो होए रोक दिया फिर लेकिन अब तो खैर बीच तो बाजार में आ गया उसे अब कौन रोकेगा इन शाला तो उनको तरक्की का उन्वान देकर वहाँ से उखाड़ के इस्लामाबाद पहुँचा दिया हाँ जी हमने आपको तरक्की दे दी साइंसदान को चौकीदारे पर बैठा दो है तो क्या करेगा तो तुम इस यहाँ सिर्फ इसलिए इतनी इसलिए मेहनत ना करो कि तुमने तो बस अच्छी रोटी खानी है ये तो इंतहाई घटिया सोच है तो इसलिए पढ़ो कि तुमने पूरी न, कौम को नस्ल को इस जवाल से निकालना पांव पे खड़ा करना पेड़ के गुलाम तो सारी नस्ल हुई पड़ी है शहवत की गुलाम सारी नस्ल हुई पड़ी है तो अपने जो कुछ कर रहे हो इस पर मेहनत करो जिससे सीख रहे हो उसका अदब करो दुनिया का कोई फन कोई इलम ये अदब के बगैर नहीं आता जिससे तुमने सीखना है उसका अदब करो वो चाहे चर्सी है चाहे भंगी है चाहे वो चमार है लेकिन अगर सीखना है तो उसका अदब करना पड़ेगा मूसम खजर आलाम के पास तशरीफ़ तो ले गए पंद्रवा पारे का आखिर सोलहवें का शुरू है उनसे सीखने के लिए गए और ये ये जो खजर आलाम से सीखने गए ना शरीयत का इल्म नहीं सीखे शरीयत तो उनके पास ख़ुद मौजूद है दुनिया का इल्म लेने गए थे कायनाती इल्म खजर आमाम कायनातीलूम के नबी हैं अब भी हैं वो दाल के हाथों शहीद होंगे अल्लाह ने उनको कहा आपको अल्लामर खजर तफ़रमाया मुआवर है ना तो अल्लाह ताला ने उनको गैर मामूली तौर पर औरों से हट कर कायनती निज़ाम की उनको नबूत तः फरमाई हैं वो भी नबी कोई वली उल्ला यूँ कहे कि मेरे ऊपर अल्लाह का इलाम हुआ है और मैं बच्चे को कतल कर दूँ ये ऐसी कोई शरीयत नहीं ऐसा कोई दीन नहीं नहीं ऐसा अल्लाह पाक की तरफ़ से ये कोई निज़ाम है हाँ नबी है नबी पर वही आती है वही कतई चीज़ होती तो उन्होंने बच्चे को कतल किया हत्ता लकिया गुलामन फकतल एक बच्चे को देकर खजराम ठक यूँ क्या वो मर गया तो ये किसी को कत्ल करना ये इल्हाम से नहीं कि मेरे ऊपर इल्हाम हो गया इलहम तो शैतान भी डाल देते और कितने ये चर्स पी के बैठे असी पहुंचे वलिया दमा दम साढ़ी हारे लिए नमाज है दमा दम है उल्लू के हुसैन सजदे में सर दे रहा हो और ये चर्स का सोटा लगा के कहें साढ़ियां हरवली दिया नमाजन दीन है ये वो मजाक है तो खजर अलैहिस्सलाम ने कत्ल कर दिया नबी हैं लेकिन नबी हैं कायनाती उम्र कश्ती तोड़ दी बच्चा कत्ल किया दीवार बना दी तो ये सारे कायनाती चीज़ें थी कायनाती रास्ते थे तो मूसम ये सीखने के लिए गए हैं और इसके सीखने का भी ये शौक जाहिर किया है ओ अमदियाबा मुझे सारी ज़िंदगी भी चलना पड़ा तो मैं उस शख्स को पाने के लिए चलूंगा चाहे मेरी सारी ज़िंदगी बीत जाए और ये वो वक्त है जब फिरन गर्क हो चुका है और ये वो वक्त है जब अल्लाह तौरात उतार चुका है रास कलीम बना चुका है और इनकी कौम इज्जत के साथ मिसर से निकल चुकी है अब इनको क्या जरूरत है कि मैं जाके किसी से सीखूं लेकिन जब अल्लाह ने कहा एक बंदे को मैंने कुछ दिया है जो तुझे नहीं दिया कहीं अल्लाह मुझे बताओ वो किधर है मैं उसके पास जाता हूँ तो कहा तो मैं ऐसा मछली ले ले तल ले मछली को तल ले साथ ले ले जहाँ वो मछली जिंदाओं के पानी में उतर जाए ना वो आदमी वहाँ रहता है तो मूसा अलैहि सलाम अपने ग़ुलाम षशा को लेकर चले और चलते 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 एक जगह थक के सोए तो यूशा बेदार थे मूसा सोए थे तो अचानक मछली वो तली हुई मछली वो निकली थैले से और वो फुदक के गई पानी में और सीधा अंदर उतर गई वो जिधर को चली ना वहां पानी फट गया और रास्ता बनता चला गया अरे ये क्या हुआ अभी मूसा अलैहिस्सलाम उठेंगे तो उनको बताऊंगा जब मूसा अलैहिस्सलाम उठे तो उनको भूल गया बताना तो उठ के चल दिए 24 घंटे आगे चले गए तो फिर कहने लगे मूसअल यार भूख लगी मछली तो खिलाओ फोहो वो जी वो मछली तो वहां जिंदा के दरिया में उतर गई थी अल्लाह के बंदे वही तो हमारी जगह थी वहां हमने जाना था फरतद ही मसा सा वहां से वापस आए भूख लगी थी 24 घंटे वापस आए तो भूख पे 24 घंटे गुजर गए आगे गए ना खजर चादर ऊपर लेकर इन्होंने कहा वालेकुम तो खजराम ने जवाब देने की बजाय ना बड़े सख्त लहजे में कौन आ गया मुझे सलाम करने तुम अपनी नफस्यात सोचो अगर तुम मुझे सलाम करो मैं तू कौन है मैंने सलाम करने वाला तो तुम्हारी क्या कैफियत होगी कितना तुम्हारे अंदर नफरत आएगी तुम्हारी सारी अकीदत हवा हो जाएगी देख लिया मौलवी ने उन सलाम करना ही तरीका नहीं।, नहीं तो एक आदमी इतना बड़ा नबी है कि अल्लाह उससे हम कलाम होता है तो रात पहली किताब उसके ऊपर उतारी गई है और आगे वो कह रहा है वो तू है कौन मैं सलाम करने वाला और चादर सर से नहीं उतारी वैसे तो अगर उन्हें आजजी से जी मैं मूसा हूं मैं मूसा हूं तो सर के ऊपर ही चादर है कौन सा मूसा बनीसराइल वाला हाँ जी बनीसराइल वाला फिर चादर उतारी हाँ क्या करने आयो काज मुझे दाखला लेना है टेक्सटाइल कॉलेज में दाखला लेना हेल अतला मैं आपकी शागिर्दी में आना चाहता हूं ना कोई डिग्री चाहता हूं ना कोई तनख्वा चाहता हूँ ना इस डिग्री पर कोई नौकरी चाहता हूँ बस जो इल्म अल्लाह ने आपको दिया ना वो कुछ ना। और होना चाहिए अला तो की जो या है ना इसको मिटा दिया है सिर्फ नून को बाकी रखा है कि जो लफ्ज अपनी ज़ात की तरफ इशारा करे ना उसको भी मिटाकर अपने आप को बेहसी बनाए कि मैं आपके सामने कुछ नहीं हूं सिर्फ आपसे कुछ लेना चाहता हूं तो आगे खजर अल इस्लाम ने फरमाया बड़े ही सख्त लहजे में इन कलंतर ये तेरा काम नहीं है मेरे साथ चलना इतने बड़े नबी को यूं कहा जा रहा यह तेरा काम नहीं है मुझसे सीखना सब्र नहीं कर सकेगा वकई फिर तो बही खुबरा तुम्हें पता तो कुछ है नहीं अंदाज़ा लगाओ नबी को यह कहा जा रहा हो तुम्हें पता तो कुछ है नहीं तो तुम तो तो सबर करोगे कैसे इतनी सख्त जुमलों के बाद वह कह रहे हैं सतजनी इन शाह अल्लाह उरा लका अमरा उस्ताद जी आप देख लेना मैं आपका पक्का शागिर्द रहूँ बिल्कुल आपकी नाफ़रमानी नहीं करूँ हाँ। उनका फिर एक मेरी शर्त है मुझसे सवाल कोई नहीं करना जब तक मैं ना बताऊं सवाल नहीं करना मंजूर है कहा हाँ जी मंजूर है ला उनका का फिर चलो चलो आपको पता ना चौबीस घंटे पहले रोटी मांगी थी इस्लाम ने तो अभी रोटी तो खिला देते उसको है? रोटी नहीं खिलाई फन चलो आगे वो ही कह देते हो रोटी तो खिला दो वो भी साथ चल पड़े हता रकी बाफी सफीनत खरा कश्ती में बैठे तो कश्ती वाले मल्ला ने किराया भी नहीं लिया हजर अल्लाम को जानते तो जब किनारे के करीब पन उन्होंने कश्ती तोड़ दी तो मूसम कहने लगे ये क्या किया के बंदे उन्होंने किराया नहीं लिया तो उन्हें कश्ती तोड़ दी मरवाना है डुबो ना सबको तो आगे मौजाम ने खजराम ने कहा अकुल पहले उन्होंने कहा था इन कलं तस्तती आम आया सबरा पहले लफ्ज में जरा शिद्दत कम थी कहा मियाँ तू मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते दूसरे जुमले में शिद्दत और बढ़ गई अलम अकुल मैं तो पहले ही कह रहा था इन कलन तस्तती सबरा सब्र नहीं कर सकेगा तो इस्लाम की तोजो और बढ़ गई कहाजी मुझे माफी दे दो पहली गलती अब माफ कर दो अभी मेरा खारजा ना करो दोबारा गलती करो तो फिर बेशक निकाल देना ला तो बेमानसी तुर ठीक है बा, अब आइंदा नहीं बोलना कहाजी ठीक है बिल्कुल मैं चुप आगे गए रोटी अभी भी नहीं खिलाई तो बच्चे खेल रहे थे एक बच्चे को पकड़ के यूं किया वो मर गया अब भूले नहीं याद था कि मैंने बोलना नहीं है लेकिन जलाल अब मूसलम जलाली नबी थे तो वो जलाल में आ गए वो क्या अल्लाह के बंदे वो ये तो बंदे मारता फिरता ये क्या कर रहा है करवाएसन जकी तो मूसलाम के जवाब में खजराम की शिद्दत और बढ़ गई अलम अकुल्लका यह लका का इजाफा है कि मैं कहता नहीं था तेरे से ये काम नहीं हो सकेगा तो मूस इस्लाम की तवाजो और बड़ी का जी अच्छा इन साल तो कांशाह इन बातू साहिब अगर इसके बाद भी मैं पूछ बैठू तो फिर बेशक मुझे निकाल देना फिर मेरा खारज कर देना फिर मुझे बिशक साथ ना रखना कहा चलो ठीक अब आगे गए तो आपको पता ना भूख लगी हुई थी ऐसी भूख लगी कि रोटी मांगी गांव वालों जो मियाँ खाना तो खिलाओ अहला फमा वो को ऐसे बकीलों के इमाम थे उन्होंने खिलाने से इनकार कर दिया तो जब वहां से बाहर निकले तो एक दीवार यूं हुई हो, हो खड़ी थी ऐसे तो खजर इस्लाम ने गुजरते गुजरते उसको हाथ मारा सिर्फ यूं हाथ किया तो ऐसे सीधी होगी यहाँ फिर न रह सके कहने लगे वो रोटी नहीं खबा रहे तू कद ठीक की जा। <laughs> लो अजरा। और कम अज कम इसकी मजदूरी तो ले के उसकी हम रोटी खा सकें तो खजरे ने कहा हाद फिरा को बहनी वही अब तेरी मेरी जुदाई का वक्त आ गया अब ले में नरमी आना शुरू होगी पहले सख्ती थी इनकोस्ता थी अलम अकुल और अलम अकुल लका और जब फिराक तो नब्बे के बेतवीले मालम तस्ता तेड़ यहाँ लफ्ज़ को छोटा कर दिया वहाँ तस्ता तिड़ यहाँ तस्ता तिड़ या उड़ा दी नरमी आ रही मैं अब तो मैं बताता हूँ कश्ती इसलिए तोड़ी बच्चा इसलिए मारा और दीवार को इसलिए ठीक किया सारे काम मैंने अल्लाह के अमर से किए खुद नहीं किए हैं अल्लाह का अमर था मैं करता गया करता गया ममा फालतू अन अमरी यह जो कुछ किया मैंने खुद ने किया वाली का तवील मालम तस्तर यहाँ एक लफ्ज़ और उड़ा दिया ये सब कुछ मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ ये उस चीज़ का किस्सा है जो तुम सह न सके यहाँ ता को भी उड़ा दिया और लफ्ज़ में नरमी आती गई लहज में नरमी आती जब जुदा होने लगे ना तो कह लेंगे मूसा एक बात तो बताओ क्या कहने गए मुझे तो तूने तो ताना दिया कि कश्ती तोड़ के हमें डबोना चाहते थे तेरी माँ ने तुझे संदूक में बहाया था तो वो भी तुम्हें डबोना चाहती थी कहने <laughs> के नहीं कब वो भी अल्लाह का अमर था ये भी अल्लाह का अमर कब मुझे तूने ताना दिया कि मैंने बच्चा मार दिया तूने तो ठीक ठाक साबित मिसरी मार दिया था वो एक मिसरी मार मूसा मूसलम लड़ रहे थे दो एक इनकी कौम का एक मिसर वाला मिसरी तो मूसा मूसलम ने मारा मुक्का तो वो मर गया फवक़हू मूसा फ़बाई को मर गया वहाँ से मूसीम भाग कर फिर आए थे मदीन की तरफ तो वो जो तेरे हाथों मर गया था वो क्या था जैसे वो अल्लाह की तकदीर ये भी अल्लाह की तकदीर फिर कहने लगे मुझे तो तूने तो तो ताना दिया कि मैं दीवार बना दी और मैंने मजदूरी कोई नहीं ली तू तो जब वहाँ पहुँचा था मदियन और शुब्म की बेटियाँ पानी अपनी बकरियों को पिलाने के इंतज़ार में खड़ी थी तो तूने सबको पीछे हटाकर उनको पानी पिलाया बकरियों को तो उनसे कहता पहले मुझे मजदूरी दो फिर पानी पिलाऊंगा तू भी तो जाके बैठ के कहता कहने लगा हूँ रोटी तो तू खवा रब लिमा मिन इन निलिमा अनतालीमिन खैर फ़कीर इसे वो हमत रब्बानी थी ये भी हकमत रब्बानी है मैं इस किस्से में तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर मूसम जैसा जलीलर नबी उस्ताद की शर्तों को पूरा नहीं करेगा तो उससे वो नहीं ले सकेगा। ये अल्लाह का ऐसा मुहकम कानून है कि ये बदल नहीं सकता मूसा अलैहि सलाम के मुकाबले में खजर अलैहि सलाम की कोई हैसियत वो कलीम अल्लाह है पांच बड़े रसूलों में मूसा अलैहि सलाम नूह अलैहि सलाम इब्राहिम अलैहि सलाम मूसा अलैहि सलाम ईसा अलैहि सलाम और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु taala अलैहि वसल्लम ये पांच बड़े रसूल हैं तो उसमें तीसरे नंबर पर मूसल खड़े हैं, लेकिन अगर वो खजर आलाम की शराय को पूरा नहीं कर सक कर रहे हैं तो खजर आलाम को जो अल्लाह ने दिया है वह मूसम को नहीं मिला एक दफ़ा हमारे नबी ने फरमाया काश मूसल सबर कर लेते तो हमें कितनी अजीब व गरीब बातें मालूम होती खजर और मूसा के किस्से से तो अगर तुम्हें कोई भी इल्म से कोई इल्म तुम्हें चाहिए जिससे सीखना है ना उसकी कदर करनी पड़ेगी ये एक कहावत है कि तांबे को सोना बना लेते हैं ना एक कहावत है ये ऐसा होता नहीं ऐसा होता नहीं है लेकिन एक ये चला आ रहा है कि भाई तांबे पर ऐसा डालते हैं कोई केमिकल के वो सोना बन जाता और इसके बन इसमें लोगों ने बड़ी रकमें लुटाई हैं है, है ये ऐसी कहावत इस पर मौलाना रूम ने, ने एक किस्सा नकल किया है सबक के लिए कि एक जोगी था जिसको सोना बनाना आता था तो बादशाह को पता चला कि ये सोना बनाना जानता है तो उसने उसको बुलवाया कहा मुझे सोना बनाना सिखाओ काजी मुझे तो आता नहीं तो उसको उसने बड़ा लालच दिया उन्होंने कहा जी मुझे तो आता नहीं फिर उसने उसकी खूब ठुकाई करवाई उन्होंने कहा जी मुझे तो आता नहीं तो उसने उसको छोड़ दिया फिर कहा और कुछ दिनों के बाद भेस बदल के ना उसके झोंपड़े पर पहुंच के कहने का जी मुझे तो बस आपकी अकीदत और मोहब्बत खींच कर लाइए मैं आपकी नौकरी करना चाहती उसने कहा मियाँ मैं गरीब दरवेश आदमी मेरी क्या नौकरी करो बस आपके कपड़े धोऊंगा रोटी पकाऊंगा मैं आपके साथ रहूंगा तो उसने साथ रहना शुरू किया खिदमत शुरू की चार महीने गुजर गए तो एक दिन वो जोगी कहने लगा मुझे सोना बनाना भी आता है तो बा, वो वो बादशाह कहना मुझे नहीं चाहिए सोना बनाना मुझे बात तुम्हें चाहिए उनका नहीं तुमने मुझे खुश किया बादशाह ने मुझे बड़े लितड़ मारे मैंने उसको नहीं सिखाया तुम्हें सिखाऊंगा तुम्हें सिखाऊँ सिखा। बादशाह ने बड़ी पिटाई की पर उसको मैंने नहीं बताया तुम्हें ज़रूर बताऊँ तो वो उसको ले गया और वो जड़ी बूटियाँ निकाल कर ये गए सोना बने ठीक है अगले दिन बादशाह गायब हो गया और उसको पकड़वा लिया दोबारा पकड़वा के सामने लाया तो कहने लगा मुझे पहचानते हो थो, थोड़ी देर तो वो देखता रहा फिर पहचान गया वो शाही लिबास वहाँ नौकरों का लिबास तो थो, थोड़ी देर तो लगी फिर पहचान गया तो वो ऐसे कांपने का। लगा कहने लगा मुझे पहचान लिया कहाँ जी पहचान लिया का फिर मैंने सीखा कि नहीं सीखा तो लगा, तो लगा से ही सीखा है ना जूते मार कर तो नहीं सीखा खिदमत से ही सीखा है, तो, सीखा है।, ही सीखा है तो इस वक्त हमारे कॉलेजेस में उस्ताद शगर्द वाला ही खत्म हो गया तो कुछ जान बहन की बात है क्योंकि हर तरफ कमाई ही कमाई का जहन बन गया है लेकिन तुम तो अपने अदब को साथ रखो मैं सेंड्रो मॉडल स्कूल से मैंने मैट्रिक किया 69 में। तो मैं आठवीं में पढ़ता था तो हमारे दीनियात के उस साथ थे नज़ीर साहब उन्हें मुझे बुलवाया वो कुल्ला बांध थे तो बहुत बड़ा कुल्ला जबान तो उनके पास हमारे उर्दू के टीचर बैठे थे आसिम साहब तो वो वहाँ पर्चे चेक कर रहे थे उस वक्त जब मैं पहुँचाऊँ तो वो फुटबॉल का मैच का आंखों देखा हाल किसी लड़के का ये पेपर ये सवाल ना वो चेक कर रहे थे तो मेरे पहुँचते ही उन्होंने फुटबॉल को हिट लगाई तो हिट के लफ्ज को उन्होंने ऐसे गोल दायरे में गलती बनाई थी तो नजीर साहब कह रहे थे कि ये क्या गलती आपने पकड़ी है तो आसिम साहब कह रहे थे ये उर्दू का पर्चा है अंग्रेजी का पर्चा नहीं है उसने लिखा है हिट लगाई उसे लिखना था ठोकर लगाई ये दोनों उस्तादों के आपस में गुफ्तु हो रही तो मैं वहां खड़ा ये दोनों की बात सुन रहा हूं तो फिर आसिम साहब नज़ीर साहब से कहने लगे अपना नज़ीर साहब वो फलाम बच्चा आया था मेरे पास कि जी मैंने आपके पास ट्यूशन पढ़नी है तो मुझे कुछ टाइम दे दें तो मैंने उसे कहा बेटा हुकूमत जो मुझे तनख्वाह देती है ना मेरा उसमें बखूबी गुजारा हो जाता है तो मैं अपने इल्म को बेचा नहीं करता तुम्हें जब ज़रूरत हो आ जाया मैं तुम्हें वैसे ही पढ़ा दिया करूँगा तो ऐसे उस्ताद तो वो जहां से गुजर जाते थे ना तो हमारी रूह फना हो जाती थी ऐसी उनकी हैबत वो थे यूपी के तो वो पजामा पहनते थे और ऊपर वो गर्मियां सर्दियां वो अचकन ही पहनते थे पता नहीं वो अचकन को बर्दाश्त कैसे करते थे और यहाँ गले में उनके मफलर होता था वो इतने शफीक इतने मेहरबान इतनी मोहब्बत और इतनी हैबत दो दो चीज़ें उनके साथ साथ चल कि हैबत भी थी मोहब्बत भी थी और उसके पीछे वजह ये थी कि ये मैंने अपने कानों से ये सारा मुका, ये मैं आपको बता रहा हूँ उन्नीस की बात मैं आपको बता रहा हूँ कितने साल पहले चालीस साल पहले मैं आपको बता रहा हूँ जो दोनों का मुखालमा हो रहा है और वो सारा मैंने सुना है और वो मेरे तख्ती पर नक्श हो गया है और मैं कभी कभी जहाँ टीचर्स में बात होती तो उनको ये मैं किस्सा सुनाता हूँ कि ये मैंने अपनी आंखों से देखे हैं ऐसे उस्ताद तो लेकिन अगर मेरा उस्ताद ऐसा नहीं है तो भी जिससे मेरे अजीजों पढ़ो ना उसका अदब करो तो अल्लाह तुम्हारे इल्म को भाग लगाएगा और तुम्हें कौम के लिए नफा बख्श बनाएगा हम सिर्फ इतना नहीं तुम्हें कहने आया कि भाई तुम तबलीग करो ये दीन पूरा मुकम्मल दीन है अपनी दुनिया को भी देखो अपने दीन को भी देखो तो किसी एक में भी झोल आएगा तो हमारी गाड़ी का, का सफर अधूरा रह जाएगा हम मंजिल तक नहीं पहुंच सकते चारों तरफ जवाल ही जवाल है तुम हिम्मत करो इसको इसलिए ना पढ़ो कि मैंने कमाई कर इसलिए पढ़ो कि मैंने इससे अपने कौम की खिदमत करने और मैंने इसको इस सतह तक पहुंचाना है कि ये कौम अपने पाओं पर खड़े हो सके और इसके साथ जब तुम अल्लाह की बारगाह में सजदों से उसको राजी करोगे और उसको आगे रो रो के मांगोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें राहें भी सुझाएगा रास्ते भी बताएगा मौके मौके पर तुम्हारी राहबरी फरमाएगा एक दूसरे को गाली निकालने से बचो जब कोई कौम गाली निकालती है तो अल्लाह की नज़रों से गिर जाती है अल्लाह के नबी ने, ने फरमाया वही तसाबत उम्मती साखात में आइन अल्ला जब कोई कौम गालियन जब मेरी उम्मत गालियाँ निकालेंगे तो अल्लाह की नज़रों से गिर जाएंगे और मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि बैतुल्ला को तोड़ देना छोटा जुर्म है और किसी मुसलमान को माँ बेटी बहन की गाली देना ये बड़ा जुर्म है अपने आप को गाली से बचाओ हिबत से बचाओ कुरान के आदि बनो मौसी के आदि ना बनो जहां भी लड़के लड़कियां इकट्ठे पड़ते हैं वहां नजर की हिफाजत करो कि इससे जितनी तेजी से ईमान जाता है और कोई चीज ऐसी नहीं बेपर्दगी वो पेट्रोल है जिसकी लगी हुई आग को सात समंदर के पानी भी नहीं बुझा सकते जहां पर्दा उठता है वहां हया उठ जाता सत्रह सौ बानवे में एक औरत थी लंदन में जिसने सबसे पहले आजादी नसुआ का नारा लगाया था से पहले यूरोप भी औरत और मर्द में तफरीक कायल था उसका नाम था मैरी क्रॉफ्ट उसने आजादी पर सबसे पहले किताब लिखी थी तो उनके सामने तो वही नहीं थी कुरान नहीं था ना उनकी तो बाइबल तब्दील शुदा किताब थी सैकड़ों तर्जुमों के बाद वो तो भटके तो उनको उनके पास कोई सनद को नहीं हम कैसे भटके हमारे आगे कुरान खड़ा हुआ हाँ हमारे अगर रसोल पाक सल्लल्लाहु अलैहि सल्ला की पाक जिंदगी खड़ी हुई हमारे आगे अल्लाह ताला के नेक बंदों और नेक मंदियों की पूरी एक तारीख हमारे सामने है हम दाएं बाएं कैसे हो सकते तो चूंकि हम एक फरेब का शिकार हो चुके हैं इसका तो हमारे पास कोई तोड़ नहीं है लेकिन इतना तो है कि भाई तुम अपनी नजरों को झुका के रहो और अपनी नज़र पर पाबंदी रखो कि यह गलत ना उठे कि मेरा अल्लाह कुरान में कहता है खाइनत जब तेरी नज़र गलत देखती है तो याद रख मैं देख रहा हूं तुम तो मुझसे छुप के नहीं देख सकते वमा तुफ़ सुदूर और तुम्हारे दिल में आने वाले गलत चीज़ों को मैं पढ़ता हूँ फिर मीडिया की यलगार है और फोश फिल्में और फोश सीरीज़ और फोहश प्रोग्राम्स ये एक सोची समझी साजिश है मेरे अजीजों हमारी नस्ल को बर्बाद करने की यह तुम्हारी तो दुश्मनी हो रही है इससे टक्कर लो अपने आप को मनाओ कि नहीं हम बेहया नहीं है हम फोश नहीं है हमारी नजर पाक है हम इन चीजों को देखने के रवादार नहीं है एक अरब सरदार अपने जिहाद में ये पहली सदी का वाक अस्सी नबे हिजरी में वो गिरफ्तार हुए हैं और उनके साथ दस साथी थे उनको कत्ल कर दिया गया ये हैं हबीब इनका नाम है हबीब तो ये बड़े ऊंचे लंबे नौजवान थे तो इनको रोमन रोमी सरदार ने कहा ये मुझे ग़ुलामी के तौर पे दे दो तो तुमने उसको गुलाम बना लिया उससे कहने लगा अगर तू ईसाई हो जाए ना तो मैं तुम्हें बेटी भी देता हूँ अपनी जागीर भी देता हूँ वो कहने के तू मुझे सारा जहान भी दे देना तो मैं एक पल के लिए भी ईसाई होने को तैयार नहीं तो उसने देखा कि ये इस तरह नहीं मानते तो उसने एक लड़की को तैयार किया और एक कमरे में उनको एक घर में उनको बंद कर दिया तीन दिन का वहां राशन रखा और कहा उस लड़की के जिम्मे लगाया कि तुम इस नौजवान से बदकारी करवाओ जब ये बदकारी करेगा तो फिर सब कुछ करेगा तीन दिन तीन रात वो लड़की सारा जोर लगा बैठी हबीब बिन उमैर तीसरे दिन वह पुकार उठी भाई तू क्या चीज है तू लोहे का है या पत्थर का है न तू देखता है न तूने कुछ खाया है तीन दिन तीन रात वो लड़की उस नौजवान की आंख का पर्दा ऊपर नहीं उठा सकी तो वो तीन दिन के बाद कहने लगी तुझे रोकने वाला कौन है ये तो बता मन यमुना और कमिन्नी तुम्हें कौन रोक रहा है मुझसे तो कहने लेंगे मेरा रब है जो मेरी शहरक के करीब है मुझे अपने रब से हया है वो मुझे रो आए वो कहने लगी तेरे जैसे को मैं कतल होता नहीं देख सकती मैं तेरी नजात का रास्ता खुद निकालूँगी तो कुछ दिनों के बाद आई और ज्यादे राह और खाना और सामान और उसको दिया और बाहर निकाल कर का कि ये सितारा है इसको अपने सीधे हाथ पर रखो रात को चलो दिन में छुपो कुछ अर्से के बाद तुम अपने वतन पहुंच जाओगे ये हया था जिसने पत्थर को भी मोम कर दिया यह तो पुराना किस्सा है चंद दिनों का किस्सा आपको सुनाता हूँ एक नौजवान हमारा तबलीगी दोस्त ग्लासगो में रहता था वो बीमार होकर हॉस्पिटल गया है तो उसकी जो अटेंडेंट नर्स थी उसने तीन चार दिन के बाद कहा कि आप मुझसे शादी करेंगे उसने कहा मैं मुसलमान हूँ तुम क्रिश्चियन हो कहा मैं मुसलमान हो जाऊँ अगर आप शादी करते तो मैं मुसलमान हूँ उसने कहा तुम किस वजह से मुझे ये पेशकश कर रहे हो वो कहने के मैं तीन दिन से तुम्हें देख रही हूँ तो क्या तुमने एक दफ़ा भी नज़र उठा के मुझे नहीं देखा मैं नर्स हूँ मेरी जिंदगी यहाँ गुजरी है मैंने कोई नौजवान ऐसा नहीं देखा जो लड़की को देख के नज़र झुका लेता हो मैं पहली दफ़ा अपनी जिंदगी में किसी को देख रही हूँ कि जब उसके सामने मैं आती हूं तो उसकी नजर झुक जाती है तो मुझे यकीन हो गया तेरे अंदर सच्चाई है वो तो मुसलमान हो गए उसने आगे कितनी बच्चियों को मुसलमान किया फिर उशफाक अहमद साहब मरहूम थे ये ड्रामा राइटर इनसे अच्छी सलाम दुआ थी मेरी तो एक दिन मुझसे कहने लगे कि मैं तबलीग के काम से मुतासर हुआ हूं इंग्लैंड जाकर पाकिस्तान में नहीं इंग्लैंड जाकर कि मैं एडम्बरा में पार्क में बैठा था मेरी बीवी -बी मेरे साथ बैठी थी तो एक जमात आई उन्होंने आकर अजान दी मगरिब की और नमाज पढ़ी नमाज के बाद ना तेरह चौदह लड़कियां भाग के आगे आई उनसे बात करने के लिए तो मैंने बीवी से कहा आओ सुनो ये क्या कहने तो कहते हैं तो कहा हम दोनों भी पहुंचे तो जिसने जमात कराई थी ना उसको एक लड़की आगे बढ़ के कहती आपको इंग्लिश आती आती है कही आपने क्या किया है कहा जी हमने अपनी इबादत की है तो वो लड़की कह लेंगी आज तो इतवार नहीं है तो उस नौजवान ने कहा कि जी हम दिन में पाँच दफ़ा करते हैं सिर्फ़ इतवार को नहीं रोज़ाना पाँच दफ़ा वो लड़की कह लेंगी ये तो बहुत ज़्यादा है आप इसको कैसे निभाते हैं तो उसने उसका उसको जवाब दिया दो तीन सवाल उसने और किए जवाब दिए तो कह लेंगे अच्छा बहुत मेहरबानी उसने से हाथ बढ़ाया आगे मिलाने के लिए ना तो वो नौजवान कहने लगा मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ मैं आपको हाथ नहीं मिला सकता उस तो लड़की ने कहा क्यों का यह हाथ मेरी बीवी की अमानत है और किसी को नहीं लग सकता तो लड़की खड़ी थी वो जमीन पे गिर गई सिर्फ इस बोध वो जमीन पे गिर गई खड़े खड़े वो जमीन पे गिर गई और वो बच्चों की तरह रोने लगी फूट फूट के और कहने लगी वो लड़की कितनी खुशकिस्मत है जिसके तुम खामि तो काश यूरोप के मर्द भी ऐसे ही होते जिस रब ने नफ्सियात बनाई है, है? वो अगर कोई औरत कपड़े उतार दे तो उसकी नफसियात बदल जाएगी चाहे वो मगरब में पैदा हो चाहे वो मशरक में पैदा हो औरत की नफसियाती हया है और वफा है वो किसी वफादार की तलाश है तो वो उस, उसको पता भी नहीं है कि मशरक का हया क्या है लेकिन वो उसको अल्लाह ने औरत बनाया है उसके अंदर की वो नहीं मर सकती चीज काश यूरोप के मर्द भी ऐसे होते और आंसू पूछती हुई वहाँ से उठ के चल दी तो उशफाक साहब मरहूम कहने लगे मैंने अपनी बीवी से कहा बानो आज वो तब्लीग हुई है कि लाखों किताबें भी छप जाती वो काम ना होता जो ये नौजवान अपने अमल से कर गया तो मेरे अजीज़ों कटी पतंग न बनो अपनी कटी पतंग की मंजिल कोई नहीं रहती अल्लाह उसके रसूल के हाथ में अपने डोर दे के चलो अल्लाह उसके रसूल के, के गुलामी में अपने आप को चलाओ तो अल्लाह तुम्हें तो भाग लगाएगा इज्जत भी देगा अपनी मनमानी में कोई राहत नहीं अल्लाह की कसम कोई राहत मैं छह बर आजम फिर के तुम्हें तो बता रहा हूं कि जो अपनी तो अपनी तरतीबों पर चलने वालों के दुख अब लोग अंदाजा नहीं लगा सकते चलना है तो अल्लाह उसके रसूल की जिंदगी को अपना के चलो अल्लाह तो मेरी दुनिया भी सुख वाली बनाएगा आखरत भी सुख चैन वाली बने। लेकिन ये सीखना पड़ेगा सीखना पड़ेगा तबलीग उसको सीखने की मेहनत है और उसको आगे पहुंचाने की मेहनत तो ये उम्र है इस वक्त सारी दुनिया इस्लाम के लिए तैयार है चूंकि नजरियाती तौर पर दुनिया शिकस्त खा चुकी किसी के पास कुछ नहीं तो हमारे पास एक ऐसा खूबसूरत नजरिया है कि जो उनको बड़ी तेज़ी से अपनी तरफ खींच सकता है और अल्लाह का एहसान है कि तेज़ी के साथ नस्लों का रुख अल्लाह की तरफ हो रहा है हो रहा है थोड़ी हिम्मत करो छुट्टियों का वक्त तबलीग में दो बाकी वक्त अपनी तालीम को दो घर के जाओ तो माँ बाप के खादिम बन कर रहो नौकर बन करो मा... जब मैं कॉलेज में था तो माँ बाप का पता ही नहीं था जब दिन में आ गया तो उनके साथ रहने का वक्त थोड़ा मिला वो जल्दी चले गए दुनिया से लेकिन मुझे जितना वक्त मिला जब मैं घर में जाता था तो मेरा बाप बड़ा आदमी था अपने इलाके का तो मैं नौकरों को उसके करीब नहीं आने देता था मैं खुद उसको दबाता था खुद उसको ते, अपने बाप को मैं तेल लगाता उनके पाँव दबाता सर दबाता कमर दबाता नौकर के दबाने और बेटे के दबाने में बड़ा फ़र्क है नौकर तेल लगाए और बेटा तेल लगाए बड़ा फ़र्क है तो उनके रुवें रुवें से ना मेरे लिए दुआएँ निकलती थी दुआएँ निकलती थी दुआएँ निकलती और यही बाप जब मैं कॉलेज में था तो मुझसे इतना तंग था कि बैठ के आंसू बहाता था, था फिर वही बाप जब मैं दीन में आया तो मुझसे इतना खुश था कि खुश हो के आंसू ये दुनिया भी अजब है यहाँ खुश से भी लोग रोते हैं और गम से भी लोग रोते है ही गमों का जहान कि यहाँ खुशी के, यह के इंतहा भी आंसू है और गम के इंतहा आंसू है तो यहाँ खुशियाँ तलाश करना तो हमाकत की बात ही तो अपने घरों में जाओ तो अपने माँ बाप रिश्तेदार अजीज़ अकारब हैं उनका हाल लो उनकी खिदमत करो उनकी दुआ लो अगर गाँव में रहते हो तो गाँव के बूढ़े बूढ़ियाँ उनके जाके हालात लो मैं अब भी जब गाँव में जाता हूँ तो हमारे गाँव में तीन चार ऐसे बूढ़े बूढ़ियाँ जो मेरी पैदाइश से पहले के भी हमारे पास हैं तो मैं उनके घर जाता हूँ उनका हाल लेता हूँ उनके पास बैठता हूँ उनकी ज़रूरतें पता करता हूँ उनकी खिदमत करता हूँ तो मुझे इतनी दुआएं देते हैं इतनी दुआएं देते हैं कि मैं समझता हूँ कि मेरे लिए मेरा सरमाया आखरत इनकी दुआ दुआएं हैं तो ये भाइयों इंसानियत के आदाब हैं सिर्फ डिग्री ले, ले लेना कौन सी बड़ी बात मकड़ी ने तुमसे पहले से डिग्री ली हुई अगर तुमने डिग्री ही लेनी है और कोई इंसानियत के असूल नहीं सीखने तो जाओ मकड़ी के जालों को देखो तुमसे अच्छी टेक्सटाइल इंजीनियर हैं बेखता किस्म की टेक्सटाइल हैं उनकी तो अल्लाह से मांगो और उसके लिए मेहनत करो सारे हौसल के फिज़ा बनाओ कोई नौजवान बेनमाजी ना रहे और मौसीकी की फिज़ा ना रहे प्यार मोहब्बत से मेहनत खुशा मत करो ये जबरदस्ती का काम नहीं है तो अल्लाह के फजल करम से तुम सारे पाकिस्तान के लिए एक मिसाली यूनिवर्सिटी बन सकते हो एक मिसाली इदारा बन सकते तो नियत करते हो भाई सारे तो अब बोलो भाई कौन तैयार है छुट्टियों में कौन वक्त कितना देगा जैसे जिसम को हर वक्त हम गजा पहुँचाते रहते हैं कभी खाने की शक्ल में पीने की शक्ल में फिर उसकी राहत के लिए उसको सलाते हैं फिर उसकी सफाई के लिए उसको नहलाते हैं तब जाकर वो हमारे काम आता है अगर इनमें से ये चीज़ें हम छोड़ दें तो हमारा जिसम खुद हमारे ख़िलाफ़ बगावत कर देगा बीमार हो जाएगा रूह को मुख्तलिफ अवात में मुख्तलिफ फ़ा की ज़रूरत होती है कभी यह सजदे की तलब होती है कभी इसको क़ुरान की तलब होती है कभी इसको अल्लाह के ज़िक्र की तलब होती है कभी इसको रातों को उठने की तलब होती है इसके मुख्तफ़ शक्लों में रूह के भी तकाज़े हैं तो फ़राज उसकी सबसे बड़ी ज़रूरत है ईमान चौबीस घंटे फ़र्ज़ है नमाज़ पांच वक्त फ़र्ज़ है तो नमाज के वक्त में आप जहाँ भी हों मस्जिद करीब है तो उसकी दौड़ लगाएँ मस्जिद में जाकर बाज़मात नमाज़ पढ़ें मर्द के लिए बाज़मात नमाज ज़रूरी है वाजिब है औरत के लिए घर में है मर्द के लिए मस्जिद में है कहीं आप ऐसी जगह पर हों कि मस्जिद करीब नहीं दो चार नौजवान इकट्ठे मिलकर जमात कराया करें अज़ान दिया करें इसकी बड़ी तासीर है बड़ी ताकत है एक पादरी आया था उन्नीस में मुसलमान होकर मैं उस वक्त रायन मदरसे में पढ़ता था फ्रांस से आया था और रहता था पेरिस में रहता था और उस वक्त वो कोई अस्सी बरस के करीब उसकी उम्र थी ज़िंदगी के आखिरी एयाम में अल्लाह ने उसको ईमान दिया था लंबा वक्त था उस तो उसने ये कहा था कि मैं आपको ना दो बातों की नसीहत करता हूँ एक तो ये कि जब नमाज का वक्त हो जाए तो आप लोग जहाँ भी हो अज़ान देकर बाज़मात नमाज पढ़ा करो और दूसरा जब आप लोग बाहर मुल्कों में जाओ तो ये दाढ़ी और पगड़ी और कुर्ता और शलवार ये आपका लिबास होना चाहिए क्या ये दो बातें खंजर की तरह सीने में उतर जाते ये उसने बस नसीहत की थी ये दो बातें मैं आपको बता रहा हूँ का मेरी सारी ज़िंदगी पादरी में गुजरी हैं इन दो बातों की तासीर बड़ी ज़बरदस्त तो आप सफ़र में हों हज़र में हों नमाज़ न छोड़ें अल्लाह ताला को हासिल पकड़ने का अल्लाह तक पहुँचने का जो बहुत बड़ा अमल है उसमें नमाज सजदा ज़मीन पे सर रख के अल्लाह को पुकारना है फिर कुछ वक्त कुरान की तिलावत के लिए ना मुकर करें मुकर ना हो तो दिन में कोई वक्त निकाल के ना कुरान ज़रूर पढ़ें सीरत की किताब ज़रूर अपने महबूब की सीरत पढ़ें ज़िंदगी पढ़ें आपने ज़िंदगी कैसे गुज़ारी ज़रूर इसके बारे में उर्दू में बहुत सी किताबें लिखी हुई हैं कोई भी किताब आप उसमें किसी अच्छे आलिम की पढ़ा उसको पढ़ें आपको इनशा इसका नफ़ा होगा फ़ायदा होगा जुमरात को इस्माइल मस्जिद आप यहाँ से कोई बस वगैरह करा ली या कोई और तरतीब से वहाँ जाकर रात को क्याम करें बयान सुने सुबह वापस आएं कोई तजा हो जल्दी का तो रात को ही वापस आ जाएं और छुट्टियों को, को तरतीब बन जाए तो तीन दिन महीने में लगते रहें अपनी मस्जिद का गश्त और और मस्जिद की तालीम ये इन शाला आपके अंदर दीन का जौक और शौक़ बेदार करे करने वाली चीज़ और आपस में गाली गलोच गीब चुगली शिकायत झूठ इन चीज़ों से अपने आप को बचा कर चलें उठते बैठते अल्लाह के ज़िक्र और अल्लाह की दुआ की आदत डालें अल्लाह को बहुत पसंद है कि उससे मांगा जाए ये वाहिद बादशाह है जिससे मांगो तो खुश होता है ना मांगो तो नाराज़ हो जाता है दुनिया के बादशाहों से मांगो तो वो नाराज़ हो जाते हैं ना मांगो तो बड़े मज़े में रहते अल्लाह वो शहनशाह है ना मांगो तो नाराज़ हो जाता है मांगो तो वो खुश होता है और इसकी आदत डाल लो मेरे अजीज इंसान तो हर वक्त मसाइल का शिकार रहता ही है जब कोई मसला पेश आए ज़रूरत पेश आए तकलीफ़ आ जाए वज़ू करो नफल पढ़ो अल्लाह से दुआ करो और इसको मुसलसल करो मुसलसल करो तो इन शह अल्लाह ताली जब नमाज के ज़रिए से दरवाज़ा खोलेगा ना फिर वह बंद नहीं होगा फिर नामुमकिन में भी अल्लाह मुमकिन की शक्लें पैदा फरमा दें और भाई फैसलाबाद का इज्तम हो रहा है सितम्बर में तो उसके लिए आप अपने गश्तों के ज़रिए से इलाके के नौ लोगों को तैयार करो अल्लाह की राह में निकलने के लिए इज्तम के लिए ख़ुद भी उसकी तैयारी करो या कम दो तीन सितम्बर को वह हो रहा है तो उसके लिए दुआ भी करो क्योंकि हमारा तबलीग बड़े अरसे के बाद एक मेहनत ज़िंदा हुई है कि जिसका मौजू यह है कि मेरी आखरत बन जाए आपकी आखरत बन जाए और सिर्फ इस ही को मौजू ब बना कर फिरना और पूरी दुनिया में फैल जाना ये सदियों के बाद पहली दफ़ा हो रहा है सदियों के गूंगे ना बोलने वाले भी इस वक्त दावत दे रहे हों ये एक मोजात में से है मैं बांग्लादेश में था तो एक साल की जमात आई हुई थी जिसमें पाकिस्तान से चार गूंगे उस जमात में चल रहे थे तो जो गूंगों को अल्लाह के हुक्म पे खड़ा कर दो और पिछले दिनों मैं तो लंबे में था अपने गांव में तो सरगोदा से एक जमात आई मस्तूरात की जिसमें वो लोग थे जो कल तक नाचने वाले थे नाचने वालियाँ थीं भीख मांगने वाले भीख मांगने वालियाँ थीं उन पर एक हमारे साथी ने दस बरस मेहनत की दस बरस मांगने वाले वो उनको पूरा फन आता है लूला कैसे बनना है लंगड़ा कैसे बनना है गूंगा कैसे बनना है अंधा कैसे बनना है तो उन्होंने मुझे बन के दिखाया वो वो साथ आया तो मैं तो उनके साथ थोड़ी देर बैठा तो उन्हें अंधा बन के आँखें ऊपर ऐसे चढ़ा ली नीचे उतरती नहीं थी आप तो आप ऊपर चढ़ाओ ना तो आपकी आँख ऊपर जा ही नहीं सकती ये जो स्या पुतली है उसको ऊपर ले जाना चाहो चाहते हैं उसने बड़े आराम से ऊपर चढ़ा कर उसको यहाँ फिक्स कर दी सिर्फ ये नीचे सफेद ही नजर आ रहे कहिए इस तरह भीख मांगते थे और शाम को चर्स पीना शराब पीना जुआ खेलना उसमें जय कर तो वो ऐसे भेकारी लोग और नाचने वाले लोग उनकी जमात वहाँ आई हुई हमारे तलंबे में एक कदीम पुराना तवायफ़ों का अड्डा है वो अब भी चल रहा है तो वो वहाँ जा कर उन्होंने गश्त किया और वहाँ से सात पेशावर औरतों को उन्होंने नक़द तीन दिन के लिए अल्लाह के रास्ते में निकाला उसने जब उनसे बात की कि उनको गया और कहा कि मैं तुमसे बात करने आया हूँ कि तुम भी अल्लाह के महबूब की उम्मत में से हो और मैं तुम अम्मा खदीजा की बेटियों हो अम्मा फ़ातिमा की बेटियों हो मैं तुम्हारे सर पे चादर डालने आऊँ और ये क्या करना उसने भी चादर उनके सर पर डाली एक उनमें जो बड़ी थी तो वो सारी लड़कियाँ रोने लगी वो पेशावर वो सब फूट फूट के रो पड़ी वो कहने लगी यहाँ तो लोग हमारी चादर उतारने आते हैं तुम पहले शख्स हो जो हम पर चादर डालने आए हो हमारे पास तो यहाँ कोई नहीं आता तुम पहले आदमी हो जिसने आकर हमें अल्लाह की बात सुनाई है फिर वो तीन दिन के लिए नकद व निकली तो अल्लाह ताला ने एक अजीब व गरीब यह काम चलाया है सदियों के बाद तो मैंने इसको ना अल्लाह से मांग कर इसमें वक्त दिया करो उसका आपको इंशाल्लाह खुद नफा होगा नियत करते हो ना सारे اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم وفقنا لما تحب وترضى وجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك علام الغيوب اللهم إنا نسألك خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أنت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله يا ليتهم السبق ذنوبكم افرما. इन सारे नौजवानों को अल्लाह हिदायत का ज़रिया बना हिदायत कामिल अता फरमा हमारे जितने इदारे हैं या वो जिस दुनियावी मकसद के लिए बने हैं उसमें भी उनको कामयाबी अता फरमा और या उसमें पढ़ने पढ़ाने वालों को अपने दीन का दाड़ी बना और अपने दीन पर चलने वाला बना और अपनी आख़रत को सामने रख कर चलने वाला बना या ला हमारी दुनिया भी भली कर दे हमारी आखरत भी भली कर दे हम तो तेरे महबूब की उम्मत इस वक्त दुनिया का सबसे दुखी तबका हैं सबसे सताए हुए हैं सबसे ठुकराए हुए हैं धुतकारे हुए हैं पूरी दुनिया में मेरे मौला तेरा नाम लेना एक गाली बन चुका है तेरे दीन पे चलना मेरे मौला एक ऐब का एक दाग धब्बा बन चुका है ए ज़मीन व आसमान के अल्लाह फैसले तो तेरे हैं निज़ाम तो तेरा है तो अपने महबूब की उम्मत के लिए इज़्ज़त का फैसला फरमा दे उस जिल्लत के फैसले वापस ले ले और सारी दुनिया के कुफर को बाथल को हिदायत की दौलत अता फरमा दे जिनके मुकद्दर में नहीं है और वो तेरे दीन के लिए रो और रुकावट हैं उनके वजूद से या ला धरती को पाक कर दे उनके वजूद से धरती को पाक कर दे और या ला सारी दुनिया के इंसानों के लिए ईमान के इस्लाम के दरवाजे खोल दें ये इतने भाई तीफलाएँ हैं इन सब का नाना कबूल फरमा ले और हम सब का बैठना बोलना सुनना सुनाना कबूल फरमा ले और यह अल्लाह हमारे सीनों को अपनी मोहब्बत से भर दे हमारे दिलों को अपनी मोहब्बत से रोशन कर दे अपने महबूब की मोहब्बत से रोशन कर दे जो हमसे आगे चले गए उनकी कब्रें ठंडी कर दे उनको जन्नत फरमा जो अजाब में उनके अजाब उठा दे और अपने वक्त पर हमारा ख़ात्मा भी ईमान पर फरमा और मेरे मौला मैशर के मैदान में जब तो ये कह रहा कहे वम ताज़ुल जमुआ अयोहल आज मुजरिम अलग हो जाओ तो या उस दिन हमें मुजरिमों में खड़ा ना फरमा अपने फज क़रम से हमें अपने नेक मंदों के पीछे खड़ा फरमा या अपने अर्श के साय में हमें जगह अता फ़रमा या हम पुलसरात से गुजार कर फिर की जन्नत में अपने हबीब का साथरमा जितने हम में बीमार हैं सेहत दे दें जो मकरूज हैं कर्ज अदा कर दे जो रूठ गए हैं उन्हें मना दे जो लड़ पड़े उनमें सुलह करा दे या अल्लाह दुनिया और आखरत की हर खैरत फरमा हर शर से हिफाजत फरमा नबील क़रीम। आमीन या वरम